मैंने तो देखे अनगिनत सपने, ख्वाहिशों से ऊंचे और बंधनों से गहरे। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलक पांडे और मैं आया हूं आपको एक छोटी सी उम्मीद देने। सो हमारे नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स का ये है डे नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे काइनामेटिक्स का पार्ट 2। तो आई होप आपने काइनामेटिक्स का पार्ट 1 देख लिया होगा, ढेर सारे शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स सब समझे होंगे, सवाल सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस शीट डाउनलोड की होगी, उसके क्वेश्चंस लगाए होंगे और जो क्वेश्चन फंसे होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशन भी देखे होंगे। तो आज काइनामेटिक्स के पार्ट 2 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी का एक छोटा सा ट्रिक पढ़ेंगे, गैलीलियोस लॉ, और उससे करेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के या AIPMT के। उसके बाद हम लोग कंप्लीट वेक्टर एलजेब्रा आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल गो टू रिलेटिव मोशन। आई होप सबको रेगुलर ड्रिल पता होगी पूरी, क्या करना है भाई, हैया हू लेक्चर देखना है, जहां पे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब वीडियो सॉल्यूशन देखना है, मतलब तब लेक्चर को आगे बढ़ाना है। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको और सवाल प्रैक्टिस करने होंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो टाइम लिमिट कम है, स्क्रीन टाइम कम है, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करनी होगी जिसमें होंगे इस लेक्चर पे बेस्ड 20 से 25 से 30 बढ़िया सवाल। प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी सभी को पता है, फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में। कहाँ पे जाना है, बैचेस सेक्शन में। कौन से बैच में जाना है, उम्मीद बैच में। उम्मीद बैच पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा बाय नाउ का, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 0 फी के अंदर इनरोल होंगे। फिर से बोलता हूँ, बाय नाउ देख के डर मत जाना, क्लिक करोगे तो 0 फी पे आप उस पर इनरोल हो जाओगे। अंदर जाके आप प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हो, इस लेक्चर के PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन फंसते हैं तो नेक्स्ट डे उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड होगा। नेक्स्ट डे क्यों है, ताकि एक दिन आप खुद से पहले हसल करो। तो शुरू करें आज का लेक्चर, चलिए बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों टुडेज गोल इज गैलीलियोस लॉ फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एक ट्रिक है, इसको समझेंगे बढ़िया से। देन कंप्लीट वेक्टर एलजेब्रा करेंगे, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जितनी भी चीजें हैं, यूनिट वेक्टर वगैरह वगैरह सब कुछ, और इसके सवाल भी करेंगे ढेर सारे, है ना, नए सवाल भी करेंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे। देन वी विल गो टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी समझेंगे, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। वन डायमेंशनल में देखेंगे पहले, यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके भी हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे। फिर रिलेटिव मोशन जाएंगे 2 डायमेंशन में और उसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। अब रेन वुमन प्रॉब्लम भी हो सकता था, है ना, ये पता नहीं क्यों ऐसा किया गया यहाँ पे, ठीक है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बबीता बोलती है कि यहाँ पे इसको रेन वुमन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, बट वो आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी हो चुके हैं सर करीब करीब 3.5 मिनट, अब यहां से लेक्चर पकड़ेगा गति। शुरू करते हैं क्रैश कोर्स को, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा हूं इसलिए थोड़ी स्पीड तो रहेगी। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हमने क्या किया, सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी ड्रॉप्ड, बेटा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, देखो पार्ट 1 देखे बिना पार्ट 2 पे मत आना, है ना, वरना ये सब समझ में नहीं आएगा, है ना भाई। सीधा आप गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 देखोगे तो आपको थोड़ी ना समझ में आएगा कि फैजल खान क्यों बोल रहा है बाप का, दादा का, भाई का बदला लेगा, उसके लिए पार्ट 1 देखना पड़ेगा ना, सरदार खान के साथ क्या हुआ था। सो सक्सेसिव डिस्टेंस समझ रहे हो, तो पार्ट 1 देख के आना तभी ये सब पल्ले पड़ेगा। सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, हमने क्या किया, एक बॉडी को यहां से ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब समझते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर हमने देखा कि पहले टी सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया S1, पहले टी सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया S1, अगले टी सेकेंड्स में यानी टी से 2T, अगले टी सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया S2, अगले टी सेकेंड में यानी 2t से 3t, नेक्स्ट टी सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया S3। लॉ क्या बोलता है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का लॉ है, सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी
ड्रॉप होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स टी सेकेंड्स। तो लॉ ये बोलता है कि S1:S2:S2:S3 का जो रेशियो होगा वो होगा 1:3:5, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर होंगे उनका रेशियो होगा 1:3:5। इसके बाद मान लो एक S4 आ जाता है अगले T सेकेंड्स में, 3T से 4T में, तो बेटा अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 7 होगा। ठीक ठीक है, पहले सेकेंड में अगर 5 मीटर कवर किया तो अगले सेकेंड में कितना होगा, 5 का 3 गुना 15 मीटर, अगले सेकेंड में कितना होगा, 5 का 5 गुना 25 मीटर, पहले सेकेंड में अगर 5 मीटर कवर किया तो अगले सेकेंड में 5 का 3 गुना 15, अगले सेकेंड में 5 का 5 गुना 25। ये लॉ वैलिड है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो कि ड्रॉप्ड हो, यूज इक्वल्स टू जीरो से छोड़ी गई हो। ये लॉ एक जगह और वैलिड है, कहां पे, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, का हो गया, चलो लॉ ऑल्सो वैलिड फॉर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यहां पे भी वैलिड है लॉ, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर बॉडी किससे स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, दिख रहा है, लॉ आल्सो वैलिड फॉर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है, लॉ आल्सो वैलिड फॉर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक बॉडी रेस्ट से मोशन शुरू करती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है तो पहले टी सेकंड में डिस्टेंस कवर होगा S1, दूसरे में S2, तीसरे में S3, अगले टी सेकंड में S4, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर होंगे उसका रेशियो होगा 1:3:5:7। क्लियर है, मैं इसको एक बार डिमोन्स्ट्रेट करता हूं और डिमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, उस चीज को फील ले लेना, कुछ डेटा आएगा उसको भाई याद कर लेना। तो ये एक हमने बॉडी ली और इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हमने कहा चलो चेक करते हैं पहले सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव की, अगले सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव की, अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव की, अगले सेकंड में, एक एक सेकंड के गैप में हम देख रहे हैं कितना डिस्टेंस मूव की। अच्छा, यहां पे हम इक्वेशन यूज करेंगे, S = UT + ½AT². बेटा किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -h होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि ड्रॉप्ड है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होता है, -g × t², माइनस माइनस हट जाएगा, h = ½gt². आओ निकालते हैं कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस है, अगले सेकंड में, और चेक करते हैं कि क्या बात सही है कि नहीं। एक काम करो, g की वैल्यू को 10 रख लो, आओ h in 1 second, सो ½ × g, t की जगह 1 रखा, ½ × g की जगह 10, t की जगह 1 का स्क्वायर, 2 × 5 = 10, 5 मीटर। तो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 मीटर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स, सो ½ × g की जगह 10 × 2 का स्क्वायर 4, 2 × 5 = 10, 5 × 4 = 20 मीटर। तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 20 मीटर, 2 सेकंड्स में ना, 2 सेकंड्स में निकाला 20, तो बेटा अगर 2 सेकंड में 20 है तो ये कितना होगा, 20 - 5 = 15 मीटर, तो देखो 5 के बाद उसका 3 गुना आ गया ना, यही मैं बता रहा था, एक बार समझ लो फिर सवाल तो धड़धड़ हिलेंगे। 15 मीटर, 1:3, h in 3 seconds, तो ½ × g की जगह 10, t मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 × 5 = 10, 5 × 9 = 45 मीटर। तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 45, तो ये कितना होगा, 45 - 20
बोलो 45 माइनस 20, 25 मीटर। अगला भी निकाल सकते हो, यहीं से देख लो। अगर ये 1 है तो ये कितने गुना है? 3 गुना। ये कितने गुना है इसका? 5 गुना। दिख गया? पहले सेकंड में यदि 5 तो अगले सेकंड में 15, 3 गुना। अगले सेकंड में 25, 5 गुना। अगले सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा? 7 गुना। 7 5 ज़ा, क्लियर है? तो ये लॉ वैलिड है बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट में, है ना? और कहां वैलिड है? बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसके सवाल धड़ाधड़ हिलेंगे, आ जाओ। चलो नीट 2013, नीट 2013, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। चलो फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेज h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज, आप पॉज करके ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद देखना। तो पहले 5 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में और नेक्स्ट 5 सेकेंड, यही तो है। द डिस्टेंस, इट कवर्स डिस्टेंसेज h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, यहां पे h1, नेक्स्ट 5 सेकेंड h2 एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड h3, है ना? फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब रिलेशन दिए हैं h1 h2 h3 में, हलवा सवाल बेटा, क्या रेशियो होगा? 1:3:5, है ना? क्या h1 इज इक्वल, चलो चेक करो सीधा, क्या h1 इज इक्वल टू 2h2 है? क्या h1 इसका डबल है? 1/3 है। क्या h1 इज इक्वल टू 3h3 है? क्या इसका 3 गुना है? 1/5 है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरे ऑप्शन पे आओ। h1 इज इक्वल टू h2/3, h2 को 3 से डिवाइड करें तो आएगा, सही बात है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, आ गया। h1 इज इक्वल टू h3/5, इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो h1 आएगा, सही बात है, इसको 5 से डिवाइड करो 1, तो सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीट में सिंगल करेक्ट ऑप्शन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट CBSE AIPMT 2009 क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, चलो कंडीशन सेटिस्फाइड, फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। बेटा अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास भी तो कांस्टेंट ही होता है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, भैया एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट होता ही है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, ध्यान से, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, पहले 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो s1 है एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, फर्स्ट 20 सेकेंड में कितना है s2, देन क्या रिलेशन होगा? घबराओ नहीं, बहुत आसान है, फर्स्ट 10 सेकेंड में s1, देन दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। मुझे एक बात बताओ, ये इस टू ये का रेशियो क्या होगा? 1:3 का होगा, यस और नो? हमें s1 s2 में रिलेशन ही तो चाहिए, 1:3 का होगा, यस और नो? यस, है ना? अगर हम इसको एक्स मान लें तो क्या ये 3x हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी ध्यान से देखो, जो s1 है वो x के बराबर होगा और जो s2 है वो कंप्लीट है, यहां से यहां तक, इसका नहीं दिया, कंप्लीट दिया है, तो s2 कितना होगा? x+3x, नहीं समझे? s2 क्या है? कंप्लीट डिस्टेंस 20 सेकंड का। भाई ये 1:3 का रेशियो होगा, पहला 10 सेकंड, ये क्या है? नेक्स्ट 10 सेकंड्स, है ना? फर्स्ट 10 सेकंड्स, नेक्स्ट 10 सेकंड्स, है ना? तो ये 1:3 होगा, हमने x:3x बोला। s1 को अगर हम x माने तो s2 कितना होगा? x+3x, 4x होगा। सो s2 कितना है बेटा? 4 गुना s1। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। नेक्स्ट CBSE AIPMT 1995, देखो इस समय सवाल थोड़े अच्छे आते थे, है ना? अभी रीसेंट टाइम में सवाल थोड़े और हल्के हो गए। अब देखो ये सवाल क्या है, द वॉटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। एक टैप है
जो कि 5 मीटर ग्राउंड से ऊपर है। तो यहाँ हमने टैप बना लिया। टैप कहाँ है? ये हमने ग्राउंड ले लिया। टैप ग्राउंड से कितना ऊपर है? 5 मीटर ऊपर है। हाँ, वाटर फॉल्स, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। देखो, जो थर्ड ड्रॉप है वो बस निकल रही है जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है। यही तो लिया है, यही बोला है ना। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप, जो थर्ड ड्रॉप है वो टैप को लीव कर रही है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप है ना, इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। थर्ड जस्ट अभी पुटुक निकली और फर्स्ट टुंग जमीन से टकरा गई, इसमें से ड्रॉप गिर रही, पुटुक पुटुक पुटुक, इक्वल टाइम इंटरवल्स पे पुटुक पुटुक पुटुक। हाँ, तो थर्ड जैसे ही निकली फर्स्ट ग्राउंड को टच कर गई है। तो पूछा है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप। तो भाई सेकेंड ड्रॉप हम मान लेते हैं यहां कहीं है, हमें नहीं पता कहां है, मान लिया यहां कहीं है। इन तीनों ड्रॉप में क्या एक चीज होगी कॉमन? कि इन लोग इक्वल टाइम इंटरवल्स पे निकले हैं। कब निकले हैं? इक्वल टाइम इंटरवल्स पे निकले हैं, है ना। यानी थर्ड से सेकेंड कितना आगे है, मान लेते हैं टी सेकेंड्स। सेकेंड थर्ड से टी सेकेंड्स पहले निकला है, जब तीसरा निकला उसके टी सेकेंड पहले सेकेंड निकला था, और सेकेंड के टी सेकेंड्स पहले फर्स्ट निकला होगा। देखो, वॉटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स पे निकल रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स पे। तो मैंने कहा जब थर्ड निकला है उसके टी सेकेंड्स पहले सेकेंड निकला है, और उसके भी टी सेकेंड पहले फर्स्ट निकला है। सवाल हो गया हलवा, अब सवाल हो गया हलवा। पूछा क्या है? देखो, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, हमसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊपर है, हलवा सवाल है। आराम से बेटा, इसका इसका रेशियो क्या होगा, इसका और इसका रेशियो क्या होगा? 1:3 का रेशियो होगा, 1:3 का रेशियो होगा। इसको यदि मैं x मान लूं तो क्या ये 3x हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ये बताओ होगा कि नहीं? ये अगर 1 है तो ये 3 होगा भाई। ये वाला कितना गिर चुका है? 2t, है ना, और ये कितना? t। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स हो गए, इसने t कवर किया, इसने इसके बाद t और कवर किया। सो 1:3 का रेशियो होगा। तो ये कितना हो गया? x। ये कितना हो जाएगा? 3x, है ना। हमें ये निकालना है बेटा, ये अगर हमें 3x की वैल्यू मिल जाए तो ये मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इधर से डिस्टेंस कितना दिख रहा? 3x plus x, 4x। इधर से कितना दिख रहा? 5। दिख रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको बोलूं, इस डिस्टेंस को बोलूं कि ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 होगा। यानी अगर ये x है तो ये कितना होगा? 3x होगा, है ना। तो इधर से डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 4x। इधर से कितना दिख रहा है? 5। यानी 4x किसके बराबर है? 5 के। तो x किसके बराबर? 5/4। अब सेकेंड ड्रॉप कितना ऊपर है? 3x डिस्टेंस ऊपर है। सेकेंड ड्रॉप कितना ऊपर है? 3x। सेकेंड ड्रॉप इज एट हाइट अबव ग्राउंड। कितनी हाइट अबव है बेटा? 3x। x की वैल्यू चिपका दो, 3×5/4। 3×5=15/4। कितना हो जाएगा? 4×3=12, 30। 4×7=28। सही कर रहा हूँ कि गलत है? समझ में आ रहा है? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बात क्लियर है? हमने क्या कहा? ड्रॉप्स में क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर ये इसके टी सेकेंड्स पहले निकली है तो ये उसके भी टी सेकेंड्स पहले, ठीक है। तो हमने कहा भाई अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स है तो ये x तो ये 3x। 4x किसके बराबर? 5 मीटर के। तो x 5/4।
4 चोर बोल दिया। सेकेंड ड्रॉप कहाँ है? 3x पे है, तो सेकेंड ड्रॉप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ला 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 3x पे। तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 × 5/4, तो 15/4। 15/4 बोले तो 4 × 3 = 12, 30, 4 × 7 = 28, 23.75 meters इज द आंसर। अदरवाइज करते रह जाते इसको, डिस्टेंस कवर्ड, ये वो कुछ नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये इससे टी सेकंड्स पहले, ये इससे टी सेकंड्स पहले। अगर इसने अब तक एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा तो इसने 4x कर लिया होगा, और इस 4x को किसके बराबर दिया? 5 के। x मिल गया, सेकंड ड्रॉप कहां है? 3x पे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीबीएसई एआईपीएमटी 1991 क्या पूछ रहा है? अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 meters ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ टावर इज। अब इसको करने के बहुत मेथड है, मैं आपको सबसे क्रिस्प और सबसे आसान मेथड बताऊंगा जिससे खटाक से सवाल होगा, मेंटोस जिंदगी। इसको आम जिंदगी में तो ऐसे कर सकते थे आप, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1th सेकेंड, और दोनों को ऐड करके 40 के बराबर करते। सुनना ही नहीं है सब, चलो अपन देखते हैं सीधा खटाक से। भाई एक नॉर्मल बंदा इसको कैसे करता? अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 meters ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds, तो हम मानते कि n सेकेंड्स गिरा है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1th सेकेंड लास्ट 2 seconds 40 के बराबर करते, सॉल्व करते। अभी देखो इसको कैसे करेंगे। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 meters ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds। अब मुझे यहां पे एक बात बताओ, अगर ये बॉल है और इसको u इज इक्वल्स टू 0 से मैंने ड्रॉप किया है, बस मुझे ये बताओ कि पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? पहले सेकंड का बता दो, खेल खत्म है। पहले सेकंड का बता दो, पहले सेकंड का कितना था? 5 meters। पहले सेकंड कितना था? 5 meters, है ना? यस और नो? 5, 15, 25 बताया था ना सर? नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, 5 याद रख लो बस, है ना, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। पहले सेकंड का याद कर लो 5, तो बेटा अगले सेकंड में कितना हो जाएगा? इसका 3 × 15। अगले सेकंड में कितना हो जाएगा? इसका 5 × 25। भाई ये तो बताया था ना, पहले सेकंड में 5, अगले सेकंड में, अब ये 5 है तो ये क्या होगा? 1:3:5। पहले में 5 तो अगले में 15, अगले में इसका 5 × 25, अगले में इसका 7 × 5 = 35 meters। अब जरा रुक जाओ, सवाल जरा देखो। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 meters ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds, यहीं पे है सवाल। ड्रॉप्स थ्रू 40 meters ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds, आखिरी 2 सेकेंड में 40 meters चली है, आखिरी 2 सेकेंड में 40 meters चली है, तो देखो इस सेकेंड में 35, इस सेकेंड में 25, तो ये तो आखिरी 2 सेकेंड नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कितना चल गई? 60, तो ये तो लास्ट 2 सेकेंड्स नहीं हो सकते, है ना? फ्रॉम द टावर फॉल थ्रू 40 meters ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, क्या ये दोनों लास्ट 2 सेकेंड्स हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि 35 + 25 ज्यादा हो रहा है भाई, कितना हो गया? 60 ही नहीं हो सकते। इन दोनों को टेस्ट करो, 25 + 15 = 40, यानी ये है लास्ट 2 सेकेंड्स, ये है लास्ट 2 सेकेंड्स, यानी बॉडी यहां पे आके रुक चुकी है। तो ओवरऑल बॉडी कितना गिरी? द हाइट ऑफ टावर इज 25, 15, 40, 5, बात समझ में आई? बात समझ में आई? हमने कहा पहले सेकंड में कितना गिरती है बॉडी? 5 meters, याद रखा। अगले सेकंड में इसका 3 × 15 meters, अगले सेकंड में इसका 5 × तो 5 × 5 = 25, अगले सेकंड में उसका 7, ऑड नंबर्स का लॉ है, 1:3:5:7, तो 5:2, इसका 3 × 15, उसका 5 × 25, उसका 7 × 35। अब फॉल थ्रू 40 meters ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, तो क्या ये लास्ट 2 सेकेंड्स हो सकते हैं? 35 और 25 = 60, ये नहीं है। क्या ये लास्ट 2 सेकेंड्स हो सकते हैं? 25 और 15 = 40, यही लास्ट 2 सेकेंड्स है, यानी यहां पे जर्नी खत्म हो चुकी है, ये है लास्ट 2 सेकेंड्स।
जोड़ो 15 और 25 40 खत्म, ये लास्ट टू सेकंड्स है। तो टोटल कितना गिरी 25 15 40 5 45, क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको चाहो तो इसको दूसरा मेथड क्या है, इसको आम जिंदगी मेथड बता देता हूं। एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। तो आम जिंदगी में इसको कैसे करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन एन एच सेकेंड प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन एन माइनस वन एच सेकेंड इक्वल टू 40 करते। अब बेटा डिस्टेंस कवर इन एन सेकेंड का फॉर्मूला यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो वो लगाते हैं हम लोग, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड हमको पता है ना, ये लगाते। यहां से हम लोग क्या करते, यहां से n की वैल्यू फाइंड करते तो पता चलता कितना टाइम गिरी है, फिर n की वैल्यू से हम लोग हाइट निकालते। तो वो भी एक तरीका है, थोड़ा लंबा हो जाता। n निकालते फिर n की वैल्यू रखते कि कितने टाइम गिरी है, फिर t इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच बाई जी से निकालते। वो भी ट्राई कर सकते हैं, यहां से आपको टाइम मिल जाता है ना। इसको n की जगह टी एच लिख लो तो तुमको फील आ जाएगी। मान लो टी टाइम तक नीचे गिरी तो डिस्टेंस कवर्ड इन टी एच सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड इन टी माइनस वन एच सेकेंड 40 होता। एन एच सेकेंड का ये फॉर्मूला है, यहाँ से आपको टी मिल जाता। टी मिलने के बाद आप लगा देते टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच बाई जी। भैया पार्ट वन देख के आओ, ये सब समझ में नहीं आएगा, बताया था ना ये बॉडी ड्रॉप के लिए। अब यहाँ से आप हाइट निकाल, वरना ये कर लो, ठीक है। ये आम जिंदगी और ये मेंटोस जिंदगी। चले आगे बढ़े। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, गैलीलियोज लॉ। कब लगाना है, जब बॉडी ड्रॉप्ड हो। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर होते हैं 1:3:5:7, पहले सेकंड में 5, अगले में 15, अगले में 25, अगले में 35। बस पहले सेकंड का याद रखो, बाकी अपने आप। चलो अब हम लोग आ गए वेक्टर पे। तो वेक्टर में यार ये तो तुम्हें बताना नहीं कि वेक्टर क्या होता है ना। इसे चोंच बनी होती है, चोंच डायरेक्शन बनाती है, तीर उसका मैग्नीट्यूड, सब तो तुमको पता होगा। आते हैं वेक्टर एडिशन पे, पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं सीधा कि वेक्टर ऐड कैसे करना है। दो वेक्टर टेल से टेल जुड़े होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। टेल से टेल जुड़े होने चाहिए, जुड़े हैं, हमें इन दो वेक्टर को ऐड करना है, हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, ये होता है डायगोनल से ऐसे देते हैं, ये बनता है रिजल्टेंट, ठीक। और ये रिजल्टेंट हम मानते हैं ए से कितने एंगल पे होता है, अल्फा एंगल पे। तो ये सब चीज़ें पढ़ रखी होगी, आगे बढ़ा जाए। रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, यहाँ से, जहाँ से दोनों की टेल जुड़ी है, और डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट होता है ना। इफ टू वेक्टर्स आर जॉइंट टेल टू टेल देन देयर वेक्टर सम इज द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, है ना। If two vectors are represented by two sides of a parallelogram starting from the same point, then resultant is given by the diagonal. सुन रखा होगा बेटा, इस r का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और बेटा ये अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आई डोंट थिंक इसमें हम लोग टाइम वेस्ट करना है। मॉड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा एंड टेन अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हुआ वेक्टर एडिशन। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, स्पेशल केसेस। अगर थीटा जीरो डिग्री है, थीटा जीरो मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो है, इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा जोड़ दो ए प्लस बी, रिजल्टेंट क्या होगा, ये हुआ रिजल्टेंट ए प्लस बी। समझ में आ गया, दोनों अगर सेम दिशा में है तो रिजल्टेंट क्या होगा, सीधा सीधा ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी। ये बेटा मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। अच्छा केस टू, इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ना है। केस टू, थीटा 180 डिग्री, 180 मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक इधर रिजल्टेंट कैसे आएगा, माइनस करके, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट a डिफरेंस b लिखा है, बड़े में से छोटा माइनस कर देना, डिफरेंस बी बड़ा है तो बी में से एक माइनस कर दो, ए बड़ा है तो ए में से बी। ये बेटा मिनिमम वैल्यू होती है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और मिनिमम वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड डिफरेंस बी का मैग्नीट्यूड। एक और स्पेशल केस है, थीटा अगर 90 डिग्री हो, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो बेटा रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 हो गया,
देखो यहाँ पे थोड़ा तेज चलेंगे, अब सवाल भी तो करने। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, सो आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे टेन अल्फा क्या हो जाता है, सीधा सीधा यहाँ से देखो टेन अल्फा क्या होगा, बी बटे ए है ना, इस बी को इधर बनाओ, टेन अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर दो वेक्टर, ये बहुत आता भी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आप देखते हो कि वेक्टर किस पे होते हैं 90 डिग्री पे, बहुत सवाल में दिखता है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पे दो वेक्टर दिखे तो रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा कॉस थीटा नहीं आएगा 90 डिग्री पे। और टेन अल्फा, ये जो एंगल है टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको यहां चिपका दो, ये अलाउड होती है पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में, अलाउड है पैरेलल शिफ्टिंग, अलाउड है, इसको यहां बी बटे ए। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल आ गया बेटा सीबीएसई एआईपीएमटी 1988, ये तो पुराना सवाल है काफी, है ना, बाप दादा के जमाने का सवाल है। चलो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3, 4, 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, इफ वेक्टर ए प्लस बी इज वेक्टर सी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, कर लेंगे हलवा सवाल है, पॉज कर खटाक से। क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है हमें ए का 3, मैग्नीट्यूड बी का 4 और मैग्नीट्यूड सी का 5, मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, वैल्यू है ना। फिर क्या बोला है, वेक्टर ए प्लस बी इज वेक्टर सी, सो वेक्टर सी, तो बेटा सी क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं मॉड सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is the angle between a and b, वही तो निकालना है ना, एक वेक्टर a हो गया, एक वेक्टर b हो गया, और theta is the angle between वेक्टर a and b, और यही theta हमें फाइंड करना है इस सवाल में, है ना, एक वेक्टर a हो गया, एक वेक्टर b हो गया, एंगल theta हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड दिस theta, क्लियर। तो भाई मॉड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, है ना, 2ab cos theta, तो बेटा मॉड सी कितना है अपने पास, 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos theta, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, है ना, सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, बेटा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, ये 25 इधर आके कैंसिल हो जाएगा 25 से, 2 3 जा 6, 6 4 जा 12, 12 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, बेटा कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, 90 डिग्री क्या होता है पाई बाई 2, क्लियर है, हलवा सवाल था सभी को आ गया है, है ना, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 25, सॉरी ये गलत लिख दिया, हाँ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 2 इंटू 3 6 4, 12 कॉस थीटा, तो ये 25 इधर कैंसिल, 12 कॉस थीटा 0, तो कॉस थीटा 0 यानी थीटा 90 पाई बाई 2, ठीक है आगे बढ़ा जाए, थीटा 90 और 90 बोले तो पाई बाई 2। नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, अगर दो इक्वल वेक्टर हैं, है ना, क्या है, दो इक्वल वेक्टर हैं, दो इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर, और वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, किस पे 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो बेटा उनका रिजल्टेंट होता है एफ रूट टू, अगर एफ और एफ 90 डिग्री पे हैं तो एफ रूट टू इक्वल वेक्टर में, और इक्वल वेक्टर में जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल बीच से निकलता है, एंगल बाइसेक्टर से, ये सब कब लगाना है, जब आपके पास इक्वल वेक्टर्स हों, तो एफ और एफ क्या है इक्वल वेक्टर, 90 डिग्री पे अगर है तो रिजल्टेंट कितना होता है एफ रूट टू, ठीक है, और जब इक्वल वेक्टर्स हों तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर बनता है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एफ और एफ अगर 60 डिग्री में, याद करना है, एफ और एफ अगर 60 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट होगा एफ रूट थ्री, या रूट थ्री एफ बोल लो, एफ रूट थ्री, और बेटा कहां निकलेगा रिजल्टेंट बताओ, ये सब कब लगाना है बेटा इक्वल वेक्टर पे, चाहो तो इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ कॉस 60 कर सकते हो,
है ना। पर याद रखो ये सब, क्योंकि ये सब बहुत पॉपुलर केस है, 90 डिग्री 60 डिग्री 120 बहुत आता है। तो 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा बेटा, f रूट 3। और कहां से निकलेगा रिजल्टेंट, एंगल बाइसेक्टर 60 डिग्री के आधा 30 डिग्री। 120 डिग्री पे है बेटा, कहां से निकलेगा रिजल्टेंट, बिल्कुल बीच से निकलेगा, 120 का आधा 60 डिग्री, और रिजल्टेंट होता है f। क्लियर। तो ये तीन बात याद रखेंगे कि अगर आपके पास इक्वल वेक्टर है और वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट बीच से f रूट 2, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे तो f रूट 3। डिग्री पे f आ जाएगा 60 डिग्री पे सीधा। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर तभी निकाल सकते हो जब वेक्टर कैसे जॉइंड हो, टेल टू टेल जॉइन हो, अदरवाइज आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं बना सकते। जैसे एक बात समझो, मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ए और बी, सपोज कर लो यहाँ 60 डिग्री लिखा है, सो दिस इज करेक्ट, टेल टू टेल जॉइन किया और छोटा वाला एंगल लिया। देखो इधर से बड़ा वाला एंगल बन जाएगा 300 डिग्री, वो नहीं लेना, छोटा। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल, तो टेल टू टेल जॉइन किया और ये एंगल ले लिया। जैसे मान लो ये देखो, अब बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है, 60 डिग्री है, बताओ 60 डिग्री है हाँ या ना। तो सभी का जवाब आया होगा कि 60 डिग्री नहीं है, क्यों, क्योंकि ये टेल से टेल नहीं जुड़े हैं, ताल से ताल मिलानी होती है, तो ये टेल से टेल जुड़े नहीं है तो ये 60 डिग्री नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब आप टेल से टेल जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इस ए वेक्टर को आगे बढ़ा दो, पैरेलल शिफ्टिंग, ये ठीक है। अगर टेल से टेल नहीं जुड़ी है तो टेल से टेल जोड़नी पड़ेगी, ए की हेड से बी की टेल जुड़ी थी तो हमने क्या किया, और एंगल कितना दिया था, ये एंगल किसके बीच में है, एक की हेड और दूसरे के टेल के बीच में, हमें टेल से टेल जोड़नी है तो ए को आगे बढ़ाया यूं, अब ये एंगल कितना हो गया बेटा 120 डिग्री, तो ये करेक्ट है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज देखन एज द स्मॉलर एंगल व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल, तो इसको आगे बढ़ा दिया हमने, एंगल कितना आया 120 है। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत लग रहा है बट ऐसे ही होगा, ठीक है, एक्चुअली ये 120 होगा, ठीक है, और ये 60 होगा, है ना। मान लो हमने बोल दिया ए और बी के बीच में एंगल 120 है ना, देखने में नहीं सही लग रहा था, ऐसे तो कॉन्सेप्ट तो सही था, मान लो ए और बी के बीच में एंगल दिया 120, पर ये 120 नहीं होगा क्योंकि ए की हेड से बी की टेल जुड़ी है, तो हमने ए को पैरेलल शिफ्ट किया, अब ये एंगल लेना होगा टेल से टेल जोड़ने के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, है ना। जैसे मान लो ऐसे दिया है, मान लो एंगल दिया है 30 डिग्री, तो बताओ क्या 30 डिग्री है इन दो वेक्टर के बीच का एंगल, नहीं, एक के हेड से दूसरे की टेल जुड़ी है, क्या करें, इसको आगे बढ़ा लो, अब देखो इसकी टेल से इसकी टेल जुड़ गई, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ये सही है ये गलत है। क्लियर हो गया, टेल से टेल जोड़ दी है। चलो ट्रायंगल लॉ, अब ट्रायंगल लॉ क्या है वेक्टर एडिशन का, मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी और उनका रिजल्टेंट है आर, तो ये क्या बोलता है कि आप पहला वेक्टर बनाओ ए, ठीक है, अब दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ो बी, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इफ टू वेक्टर्स, देखो थोड़ा स्लो चलते हैं इसको समझ लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, है ना, zoom zoom, है ना, टेल से हेड, टेल से हेड, इफ टू वेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखो यूं चले, यूं चले, फिर यूं चलना चाहिए था, ये हो गया सेम ऑर्डर, नहीं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यानी यू,
यानी पहले की टेल से आखिरी का हेड मिलाओ, पहले की टेल से आखिरी का हेड मिलाओ, पहले की टेल से आखिरी का हेड। अच्छा बेटा, ए और बी के बीच में एंगल कहां दिखेगा ये बताओ, यहां दिखेगा, ए को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये टेल से टेल नहीं जुड़े थे, तो ए और बी के बीच का एंगल कैसे दिखेगा, ये बी, इसको आगे बढ़ाया, ये एंगल हो गया थीटा, है ना। और रिजल्टेंट हमने बोला ए से कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे। बाकी बातें सेम होगी बेटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, है ना। इससे अच्छा लिखने का तरीका वैसे ये दोनों तरफ स्क्वायर करके लिखो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे ज्यादा आसान हो जाता है। और बाकी टेन अल्फा की वैल्यू भी सेम रहेगी जो थी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस विल रिमेन सेम, ठीक है। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, देखो समझ लो, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, जूम जूम, रिजल्टेंट इज गिवन बाई थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन, देखो यूं चले फिर यूं चलना चाहिए था, ए ए ए, बट रिजल्टेंट इज गिवन बाई थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में तब हेल्प करता है, दिस हेल्प्स व्हेन रिजल्टेंट, मतलब बच्चे पूछेंगे ना कि सर कब ट्रायंगल लगाएं और कब पैरेललोग्राम लगाएं, इसका क्या जवाब होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये जवाब है, दिस हेल्प्स व्हेन आर इज परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, अगर ये दे रहा है कि रिजल्टेंट ए या बी के परपेंडिकुलर है तब आपको ट्रायंगल लॉ काफी हेल्प करता है, दिस हेल्प्स व्हेन आर इज परपेंडिकुलर टू ए और बी, क्लियर है। बाकी पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ का जो फॉर्मूला है बेटा दोनों का ही सेम है, पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला सेम, ठीक है। एंगल क्या होगा ये बढ़ाकर, ठीक। चलो सवाल, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, देखो मिल गया, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, जो रिजल्टेंट है ए और बी का वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के। ऐसे सवालों में ट्रायंगल लॉ बहुत काम करता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ये रहा ए और ये रहा बी, ऐसे बना ले, ये रहा ए ये रहा बी। क्यों हम ट्रायंगल लॉ क्यों यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। अब जो रिजल्टेंट है वो कैसे बनेगा बेटा, रिजल्टेंट इसके टेल से इसका हेड ज्वाइन करके यू बनेगा रिजल्टेंट। अब क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये 90 देखने में तो नहीं लग रहा है ना, यानी ये डायग्राम कुछ गलत लग रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर, तो देखो ये बना ए, अब जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, क्यों ट्रायंगल लॉ लगाया, क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर के परपेंडिकुलर, ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो रिजल्टेंट इससे खड़ा हो जाएगा ए के परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर ए यू बना। अब बेटा बी कैसे बनेगा, जूम जूम बन गया बी, क्लियर। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट इज गिवन बाई थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। हमने ए बनाया बी बनाया रिजल्टेंट बनाया, 90 डिग्री लग ही नहीं रहा है और रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, सो ए बनाया रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर पहले कर लो, अब बी बना लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड इट्स, हाँ, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वो कितना है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो ये जो आर की वैल्यू है मॉड आर, दिस इज बी बटे टू, है ना, ये जो वैल्यू है इसकी
बी बटे टू है। फिर क्या पूछा है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बेटा व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा एंगल बिटवीन ए एंड बी ये वाला होगा क्या बताओ, ये होगा क्या, ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है, हाँ या ना में जवाब दो। आंसर है नहीं, क्योंकि इसके हेड से इसकी टेल जुड़ी है, ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब ए को आगे बढ़ाएंगे, है ना। पहले थीटा निकालते हैं तभी वो निकलेगा। खैर ये होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी, यस और नो, है ना। अब थीटा निकालना बहुत आसान है, अपने पास ट्रायंगल तैयार है। यहां से देखो, ये पता है आपको बी बाई टू, ये कितना है बी, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, क्लियर है। आपको प्रैक्टिस शीट में एक और सवाल मिलेगा जो इसी लॉजिक से सॉल्व होगा, जिसमें रिजल्टेंट क्या होगा, जिसमें रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। जब ये दिख जाए ना तो ट्रायंगल लॉ की तरफ भागो तब, है ना, रिजल्टेंट पर। तो ए बनाया, फिर रिजल्टेंट पहले बना लिया ए के परपेंडिकुलर, फिर बी ज्वाइन कर दिया, खत्म, क्लियर। फिर आगे डेटा दे रखा, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी, फिर उसके बाद हमने ये थीटा निकाल लिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर वो हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन, बेटा ध्यान से सुनो, देयर इज नथिंग सच एज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कैसे पढ़ाओगे मास्टर, देखो हमने लिखा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर आर इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, हमने कहा सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो क्या हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, यस हम लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए में क्या जोड़ दें, माइनस बी वेक्टर को जोड़ दें। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा बी, बेटा माइनस बी क्या ऐसे बनता है, बी के जस्ट अपोजिट, है ना, ठीक है, माइनस बी क्या होगा, बी के जस्ट अपोजिट, ये बन गया माइनस बी, है ना। अब ए और माइनस बी को हमें जोड़ना है, ए और बी को नहीं जोड़ना है, ए और बी को नहीं जोड़ना है, ए और माइनस बी को जोड़ दो। ए माइनस बी कुछ होता है क्या, ना, ए माइनस बी कुछ नहीं होता, ए माइनस बी कुछ नहीं, ए प्लस माइनस बी होता है, वेक्टर का सिर्फ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता। तो हमने कहा ए में माइनस बी को जोड़ दे तो ए माइनस बी बन जाएगा, तो हमने बी को उल्टा कर दिया। अब ए है और एक माइनस बी है, इन दो वेक्टर को जोड़ना है, बेटा माइनस बी का वही मैग्नीट्यूड होगा जो बी का है, डायरेक्शन अलग होगा। अब ए और माइनस बी के बीच में बेटा कितना एंगल हो गया, ये थीटा है, ये पूरा 180 होगा, समझ लो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन बच्चे गलती हमेशा करते हैं, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, सब में वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगना है भाई। रिलेटिव वेलोसिटी में जब टू डायमेंशनल में रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, टू डायमेंशनल में रिलेटिव वेलोसिटी के बिना होगा ही नहीं। तो समझो ध्यान से, ए माइनस बी कुछ होता है, यहां पे मैंने बच्चों को बहुत देखा कंफ्यूज रहते हैं नीट में, तो स्पेशली ए माइनस बी कुछ नहीं होता, ए प्लस माइनस बी, तो बी को पीछे करो। अब सुनो ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो बी का है, डायरेक्शन अपोजिट। अब ए और माइनस बी दो वेक्टर हैं, इनको जोड़ना है, तो जो दो वेक्टर जोड़ना है वो टेल से टेल जुड़े हैं, और उनके बीच का एंगल कितना है, ये थीटा है, पूरा 180 होगा, 180 माइनस थीटा। तो आपको दो वेक्टर जोड़ना है जिनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है। मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहां सोच रहा हूं माइनस बी क्यों नहीं है, मॉड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस बी नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा, इनके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और 180 माइनस थीटा इज 180 माइनस थीटा में कॉस का कॉस रहता है साइन का साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, ये याद है ना, 180 माइनस में कॉस कॉस साइन साइन, और 180 माइनस थीटा कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, वरना सवाल नहीं कर पाओगे। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, पर मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला हम बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है। हम तो एडिशन करेंगे, देखना, हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जगह क्या करेंगे, हम तो एडिशन करेंगे ए प्लस माइनस बी का। आ जाओ सवाल, नीट 2016 और उसके पहले सीबीएसई एआईपीएमटी 1991 का सेम सवाल क्या है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच में एंगल मान लो थीटा। क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो हमने बोला आर सम इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज। बेटा अगर ऐसा दिया हो, ये चीज याद रखो, है ना, ये डेटा याद रखो, 90 डिग्री आता है, ये डेटा याद रखो। अगर ऐसा दिया है कभी एग्जाम में कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सम एंड डिफरेंस इक्वल है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस इक्वल है, तो एंगल 90 डिग्री होता है बीच में। चलो और कर लेते हैं फिर भी, याद रखें। तो आर सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। बेटा दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों का स्क्वायर बराबर होगा। आर सम का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आर डिफरेंस का बेटा क्या फॉर्मूला है? आर डिफरेंस का स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कैंसिल, टू ए बी कॉस थीटा ले आओ, फोर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ पे अब ए हम बोल रहे हैं जीरो नहीं है, हम बोल रहे हैं बी जीरो नहीं है, वेक्टर्स को जीरो कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, वेक्टर ही नहीं बचेगा। इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कॉस थीटा जीरो है। कॉस थीटा जीरो कब होता है बेटा? जब थीटा 90 डिग्री हो। तो याद रखो जब भी आपसे ये चीज बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या है, सेम है, तो उस समय पे याद रखेंगे एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ऐसा दे रखा है एग्जाम में कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो जाहिर सी बात है थीटा कितना होगा इनके बीच में? 90 डिग्री होगा। क्लियर? अगर एग्जाम में ऐसा लिख रखा है मॉड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी, देन थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। इस बात को आप रिमेंबर करेंगे, है ना, इसको अच्छे से रिमेंबर कर लो, क्वेश्चन को राइट कर लो और इस कॉन्सेप्ट को रिमेंबर कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ इन 10 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताएं बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टाइम, है ना। यहाँ पे देखो दो वेलोसिटी दी हैं, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, फिर 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में, डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। ये मत सोचना कि 5 का 5 रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं है, वेलोसिटी चेंज है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है, है ना। विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, पहले ईस्ट में थी वेलोसिटी, फिर नॉर्थ में हो गई, 10 सेकंड के अंदर ये खेल हुआ, एक्सेलरेशन बताना है। तो बेटा एक्सेलरेशन बताने के लिए आपको ये चाहिए v2 माइनस v1, ये रिक्वायर्ड है आपको v2 माइनस v1। ये क्या है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आओ देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट। तो पहले ईस्ट में चला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में दिक्कत नहीं है किसी को, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले 5 मीटर पर सेकंड, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है, फिर क्या हुआ? एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। इसके बाद जो v2 है इसका, वो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है v2 भी, पर किधर है? नॉर्थ की तरफ। इस पे एक बढ़िया सवाल प्रैक्टिस शीट में भी है, v2 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। हमें क्या चाहिए? v2 माइनस v1। क्या v2 माइनस v1 कुछ होता है? कुछ नहीं होता। हमें चाहिए v2 माइनस v1। एक बात बताओ, क्या v2 माइनस v1 कुछ होता है? बेटा कुछ नहीं होता।
क्या होता है वी टू प्लस माइनस वी वन। देखो ये कॉन्सेप्ट अपना अच्छा कर लो, रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल धड़ाधड़ ही लेंगे, ठीक है। वी टू माइनस वी वन कुछ नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है वी टू प्लस माइनस वी वन, है ना भाई। एक्सलरेशन के लिए क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, और चेंज इन वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन को वी टू प्लस माइनस ऑफ वी वन लिखेंगे। अच्छा, यानी वी टू में माइनस ऑफ वी वन, तो बेटा वी वन इधर जा रहा है तो माइनस ऑफ वी वन पीछे चला जाएगा, है कि नहीं। वी वन इधर जा रहा है तो माइनस वी वन ये हो जाएगा कि नहीं, है ना। सो यही बना सकते हैं क्या, ये ऐसे चला फिर ऐसे। सो माइनस वी वन किधर हो जाएगा, पीछे की तरफ, तो ये हो गया V2 और ये हो गया माइनस V1। बोलो सही है, V2 और V1 इधर था तो माइनस V1। देखो पहले कैसे चला, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड इन 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ इन 10 सेकंड्स। अब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 चाहिए, V2 प्लस माइनस V1, तो हमको V1 को पलटना पड़ेगा, तो V1 को पलट दिया। अब बेटा ये दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट चाहिए, दो वेक्टर कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, दोनों की वैल्यू 5 और 5 है। इफ टू वेक्टर हैव सेम वैल्यू एंड दे आर एट 90 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या होता है बताओ। दो वेक्टर की सेम वैल्यू 90 डिग्री पे हो, दो वेक्टर की सेम वैल्यू 90 डिग्री पे हो तो एफ रूट टू होता है, इसीलिए तो डेटा याद कराया था, यही होगा। ये वी वन वी टू, पहले वी वन किधर गया, ईस्ट को, और V2 नॉर्थ को, फिर हमें V2 माइनस V1 तो V1 को पलट दिया। अब ये दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसको भी हम V बोल सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को भी हम लोग V बोल सकते हैं। सो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, V रूट टू यानी 5 रूट टू, ये रिजल्टेंट हो गया। सो V2 माइनस V1 की वैल्यू मिल गई हमें, क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं रुक के समझा रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने लिया V2, हम एक पेज और लेके आए हैं इसके लिए कि कंजूसी की गई है, कंजूसी की गई है, कोई बात नहीं। ओके, सो यस, दिस इज V2 वेक्टर एंड दिस विल बी माइनस V1 वेक्टर, 90 डिग्री पे है बेटा, दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे, इसकी वैल्यू भी हम V बोल दें, इसकी वैल्यू भी V बोल दें। इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री देन रिजल्टेंट एकदम बीच से जाता है और कितना होता है F रूट टू, तो V रूट टू, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। So V root 2, तो change in velocity is V root 2. So A is equals to V root 2 बटे T. तो बेटा V कितना है 5, root 2 बटे T कितना है 10. तो 5 ones are 5, 5 twos are 10. So root 2 बटे 2. तो बेटा नीचे 2 को root 2 लिख देंगे. तो root 2 लिख देंगे. नीचे वाले 2 को root 2 लिख देंगे. एक root 2 cancel हो जाएगा, बचेगा 1 by root 2. इसको root 2 लिखा, एक root 2, 1 by root 2. और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर इज 1 by root 2. ओ, चारों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, मतलब ये दो ऑप्शन 1 by root 2, 1 by root 2, दो ऑप्शन है बेटा। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है, तो अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब बताओ क्या डायरेक्शन होगा, जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ये किसका डायरेक्शन है बेटा, ये V2 माइनस V1 का डायरेक्शन है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट में हो गई। नहीं आया तो इस सवाल को रिपीट करके देखना, बट इसको सीखे बिना आगे नहीं बढ़ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए भी, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पहले कहा V1 ईस्ट चले, फिर V2 नॉर्थ चले, हमने कहा V2 माइनस V1 चाहिए, V1 को पलट दिया। अब दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 90 डिग्री है, तो बीच से रिजल्टेंट निकलेगा। दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट F रूट 2, 60 डिग्री पे F रूट 3, 120 डिग्री पे F, 90 F रूट 2, 60 F रूट 3, 120 F, ठीक। तो V रूट 2, तो V रूट 2 रखा, V कितना है 5 है, 5 रूट 2 बटे 10, तो ये 1 by root 2। अब डायरेक्शन चाहिए बेटा, तो ये डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी का, यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, एकदम नॉर्थ वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में है भाई। रिजल्टेंट बीच से निकलेगा कि नहीं, इक्वल वेक्टर के केस में, इक्वल वेक्टर के केस में रिजल्टेंट बीच से निकलता है, तो एग्जैक्टली बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट बोल दिया,
नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, एग्जैक्टली बीच में होता है। नेक्स्ट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मान लो हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। सो मॉड ए कितना होता है, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर a कैप क्या होता है, वेक्टर a अपॉन मॉड a, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? मान लो हमें कोई वेक्टर दे रखा है 3D के अंदर, ठीक है। और ये वेक्टर कितना बता रखा है हमको, ये वेक्टर a हमें बता रखा है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इसका मतलब इसका x में कितना कॉम्पोनेंट है, ए एक्स, y में कितना कॉम्पोनेंट है, ए वाई, और z में कितना कॉम्पोनेंट है, ए जेड, ठीक है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो इस लाइन की लेंथ है मॉड ए, जो इस लाइन की लेंथ है वो कैसे आएगी, अंडर रूट x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर। आई होप सबको ये बात पता होगी पहले से। फिर क्या बोला, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, इसी वेक्टर के अलोंग एक वन वैल्यू का वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जो कि a वेक्टर के ही डायरेक्शन में हो। ये a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, a वेक्टर के डायरेक्शन का ही एक वेक्टर हो जिसकी वैल्यू वन हो, यूनिटी हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर a कैप, ठीक है। a कैप कैसे निकलता है, वेक्टर a अपॉन मॉड a। एक काम करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बस ये तो क्लियर हो जाएगा। वेक्टर a इज इक्वल्स टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। मुझे ये बताओ मॉड a कितना होगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ माइनस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर ही होना था। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर हो गया फोर प्लस वन प्लस फोर, चार चार आठ एक नौ, अंडर रूट नौ कितना हो गया तीन। सो मॉड ए की वैल्यू हो गई तीन। अब मैं आपसे बोलूँ कि यूनिट वेक्टर निकालो, ए कैप, ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। मान लो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालने को बोल दे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए यानी टू आई माइनस जे प्लस टू के डिवाइडेड बाई मॉड ए कितना हो गया थ्री। ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। यूनिट वेक्टर का जिंदगी में सिर्फ एक काम है और वो काम है डायरेक्शन बताना। किस लिए यूज होता है, ओनली टू गिव डायरेक्शन टू अ वेक्टर। किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में ऐड कैसे करते हैं पता है ना। मान लो यहीं पे एक वेक्टर और दे दूं मैं, मान लो मैं यहीं पे एक वेक्टर और दे दूं, बी दे दूं, बी हो गया मान लो 3i प्लस 4j। और मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो क्या करोगे, i में i वाला जुड़ता है दो और तीन पांच i कैप, j में j वाला जुड़ता है माइनस j और प्लस 4j 3j कैप, k में k वाला जुड़ता है 2k प्लस 0k 2k कैप, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में डील करना आ गया। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ऐड होता है, बहुत आसान है। x में x ऐड करो, y में y ऐड करो और z में z ऐड करो, क्लियर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर a अपॉन मॉड a, क्लियर है, बहुत बढ़िया। पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर कब यूजफुल होता है, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों। मान लो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, y, तो उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन किसके रिस्पेक्ट में होता है बेटा, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी अगर हम, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, मान लो हमें एक पॉइंट दिया है x, y और हम ओरिजिन से एक लाइन बनाए p तक, हम ओरिजिन से एक वेक्टर बनाए, लाइन क्या बनाए, हम एक वेक्टर बनाए p तक, हम ओरिजिन से एक वेक्टर बनाए p तक r वेक्टर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप, x i कैप प्लस y j कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मान लो एक पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, एक पॉइंट Q है उसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। सो P से Q का डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है, पोजीशन वेक्टर समझे। किसी का कोऑर्डिनेट अगर x कॉमा y है तो ओरिजिन से, अगर किसी का कोऑर्डिनेट x कॉमा y है तो ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर है ना, इस वेक्टर को हम लोग ओपी वेक्टर ही बोल सकते हैं, जो तुम लोग लिखते हो ना ओपी इन द चार्ट,
उसी को आर वेक्टर बोलते हैं। और कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी से क्यू का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट पी क्यू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल। सो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सीबीएसई एआई पीएमटी 2014 क्या पूछा है, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई आर 2, 3 एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर From t is equals to 0 to t is equals to 5 seconds. तो t is equals to 0 पे ये यहाँ पर है ना। सपोज कर लो इस पॉइंट को मैं बोल दूँ A पे है, t is equals to 2 पे B पे है, और t is equals to 5 पे वो C पे है। डिफरेंट पॉइंट पे पहुँचा A, B, C। हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 5, यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी याद है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है एसी वेक्टर अपॉन टाइम जो लगा 5 सेकंड्स। टी इज इक्वल्स टू 0 से टी इज इक्वल्स टू 5 तक डिस्प्लेसमेंट कितना है एसी वेक्टर अपॉन जो टाइम लगा 5 सेकंड। सो एसी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, ए से सी फाइनल माइनस इनिशियल। एसी वेक्टर ए से सी फाइनल माइनस इनिशियल 13 माइनस 2 इंटू आई कैप प्लस 14 माइनस 3 इंटू जे कैप डिवाइडेड बाई टी कितना हो गया 5, 0 से 5। तो 13 माइनस 2 दैट इज 11 आई कैप, 14 माइनस 3 11 जे कैप डिवाइड बाई 5। तो 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप डिवाइड बाई 5, ये रहा 11 कॉमन हो गया है ना, I cap प्लस J cap। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया 11/5। नेक्स्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, आओ स्केलर प्रोडक्ट जिसमें आंसर स्केलर आए और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। A डॉट B इज mod A mod B cos थीटा, सबको पता है A B cos थीटा, वहां वेयर A B इज मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल बेटा वर्क निकालते हैं हम लोग F डॉट S से, एफ एस कॉस थीटा से। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हम लोग, पावर होगा ये, यहाँ पे वर्क लिख दिया गलत हो गया, ये टाइपिंग एरर है। पावर होती है बेटा एफ डॉट वी, है ना। पावर एक तो वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है और पावर एफ डॉट वी भी होती है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस पावर कभी भी निकाल सकते हैं आप। पावर पी इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, है ना, वर्क एफ डॉट एस। चलो स्पेशल केसेस कुछ याद करो, जब थीटा जीरो है तो ए बी कॉस जीरो, कॉस जीरो वन हो जाएगा तो ए डॉट बी ए बी के बराबर। जब थीटा 180 है तो ए बी कॉस 180, कॉस 180 इज माइनस वन तो माइनस ए बी। जब थीटा 90 डिग्री है तो ए बी कॉस 90, कॉस 90 इज जीरो तो जीरो। ये इंपॉर्टेंट देखो लाल रंग से बना है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और अगर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, है ना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, याद रखें ये। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट बी, कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, जबकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए डॉट बी प्लस सी, कम्यूटेटिव ए डॉट बी इज बी डॉट ए।
डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ए डॉट बी प्लस सी में आप इसको अंदर ला सकते हो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है और इसमें भी कोई गलती नहीं, इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से सेम आंसर आता है और इसको अंदर डाल सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देन ए डॉट ए इज इक्वल्स टू, बेटा डॉट में अगर सेल्फ प्रोडक्ट करोगे तो आएगा ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, समझ गए। मान लो हमसे दिखा है आर डॉट आर, तो आर डॉट आर क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर होगा, आर डॉट आर इज आर स्क्वायर, क्लियर है। चलो क्या है सवाल, सीबीएसई एआईपीएमटी 2003 क्या पूछ रहा है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, इन दैट केस द फोर्सेस, क्या बोल रहा है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, मान लो दो फोर्स हैं अपने पास, हाँ इसमें जगह है, मान लो अपने पास टू फोर्सेस हैं, है ना, एक को मैंने बोला F1 और दूसरे को मैंने बोला F2, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, यानी ये बोल रहे हैं कि F1 प्लस F2 वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, ये बोल रहे हैं कि F1 प्लस F2 परपेंडिकुलर है F1 माइनस F2 के, है ना, F1 प्लस F2 वेक्टर सम इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंसेस, है ना, ऐसे बोल सकते हो R सम R सम, ये रिजल्टेंट हो गया सम का, इज परपेंडिकुलर टू R डिफरेंस का। तो बेटा अगर ऐसा हो जाए, है ना, तो क्या होता है F1 F2 बराबर होते हैं, अगर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो बेटा ए एंड बी आर इक्वल, है ना, दोनों वेक्टर बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, वेक्टर बराबर नहीं होता, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है ना, वेक्टर बराबर तो डायरेक्शन बराबर होगा। खैर आओ, सो द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेज, तो वेक्टर सम परपेंडिकुलर टू वेक्टर, देखो आज का लेक्चर स्लो किया मैंने क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, आप फंस रहे हो, है ना, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज, मैथ आ रही है ना, टू फोर्सेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंसेज, तो सम इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस, तो बेटा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो बोलो आर सम डॉट आर डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही बताया ना, ठीक। अब आर सम की जगह लिख सकते हैं हम लोग एफ वन प्लस एफ टू डॉट एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल्स टू जीरो, कितना हो जाएगा बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव करो, अरे जैसे करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो पहले एफ वन डॉट एफ वन होगा, उसके बाद एफ वन डॉट एफ वन, देन इससे होगा माइनस एफ वन डॉट एफ टू, उसके बाद एफ टू डॉट एफ वन, सही है, फिर F2 डॉट F1, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, फिर F2 डॉट F1, फिर माइनस F2 डॉट F2 इक्वल टू जीरो, बोलो सही लिखा है। अच्छा F1 डॉट F1 सेल्फ प्रोडक्ट में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, A डॉट A क्या बना था, A स्क्वायर, सो F1 डॉट F1 क्या बन जाएगा, F1 स्क्वायर माइनस F1 डॉट F2, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं F1 डॉट F2, क्योंकि A डॉट B और B डॉट A बराबर हो सकते हैं, सो F2 डॉट F1 को मैं F1 डॉट F2 नहीं लिख सकता, A डॉट B और B डॉट A बराबर, बोलो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, F2 डॉट F1 को मैं F1 डॉट F2 भी तो लिख सकता हूं, और माइनस F2 डॉट F2 सेल्फ प्रोडक्ट है तो स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, यहां देखो ये और ये कैंसिल, सो F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी F1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 का स्क्वायर, दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो क्या आएगा, मॉड F1 इज इक्वल्स टू मॉड F2, तो क्या बराबर है दोनों के, मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर है, स्क्वायर बराबर हुए हैं, मैग्नीट्यूड, वेक्टर बराबर होगा तो डायरेक्शन बराबर होना चाहिए, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, गलत बात है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, गलत बात, आर इक्वल टू ईच अदर, बेटा ये गलत है,
वेक्टर्स इक्वल नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, करेक्ट। समझ में आया? तो ये बात अब याद रखो कि अगर आपसे बोलता है कि दो वेक्टर का सम यानी एफ वन प्लस एफ टू परपेंडिकुलर है एफ वन माइनस एफ टू के, तो आप याद रखना कि एफ वन का मैग्नीट्यूड एफ टू के बराबर होता है। इस बात को क्या करेंगे, रिमेंबर कीजिएगा, है ना, इस बात को रिमेंबर कीजिएगा। जो भी रॉन्ग वा है उससे तुम राइट वा करो जी, है ना। चलो सो अब मेरे को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स तो सभी को पता होगा आई जे के होते हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, आई जे के की बात करेंगे, आई जे के की बात करेंगे। भाई आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन, तो वन आ गया। जे डॉट जे, जे का स्क्वायर, जे का मैग्नीट्यूड वन, है ना, यूनिट वेक्टर्स है ना ये सब। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और मैग्नीट्यूड ऑफ के कितना होगा, वन होगा, है ना। सो आई डॉट आई, आई स्क्वायर वन, जे डॉट जे, जे स्क्वायर वन, के डॉट के स्क्वायर वन। अच्छा, सेल्फ प्रोडक्ट में वन आते हैं यूनिट वेक्टर्स में, डॉट प्रोडक्ट। और अगर आई डॉट जे करें तो आई जे कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, जे डॉट के जीरो, आई डॉट के जीरो, क्यों भाई, क्योंकि सब राइट एंगल्स में है, 90 डिग्री पे है, है ना। सो आई डॉट आई वन है, आई डॉट सॉरी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब बराबर वन, और आई डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई जीरो, है ना, क्योंकि सब परपेंडिकुलर है, क्लियर है। डॉट में अगर सेल्फ प्रोडक्ट करोगे यूनिट वेक्टर्स का, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और अगर आई डॉट जे या आई डॉट के या जे डॉट के कुछ भी करो इस तरह का आपस में, तो जीरो। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, और इन दोनों का डॉट निकालना है, तो डॉट में क्या करते हैं बेटा, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करो, के वाले को के से मल्टीप्लाई करो, खत्म। और इसमें कहीं आई जे के मत लगाना, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो आपका जो आंसर होगा वो स्केलर होना चाहिए, वेक्टर नहीं। ये सब छोटी छोटी गलती आपसे हो ही जाती है, क्या करते हो एग्जाम में, आप यहां आई कैप लगा देते हो, यहां जे कैप, यहां के कैप, कुछ नहीं लगेगा, ये क्या होगी बेटा, एक वैल्यू होगी, दिस विल जस्ट बी अ नंबर, ये एक नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 2.5, दिस शुड बी अ नंबर। ए डॉट बी बेटा कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर नहीं, तो एक नंबर आएगा, आई में आई मल्टीप्लाई करो, जे में जे, के में के, ए डॉट बी करने का तरीका, क्लियर है। चलो सीबीएसई ए आई पी एम टी 2005 क्या बोल रहा, इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस 8k कैप देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो एक वेक्टर ये है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और दूसरा वेक्टर ये है मेरे पास 4j कैप है, ध्यान से देखना, यहां पे गड़बड़ खेल खेला है तुम्हारे साथ, 4j कैप पहले लिखा था, तो पहले आप 4i कैप लिख लो, माइनस 4i कैप ऑर्डर चेंज कर लो, प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। अब क्या बोला है, दोनों वेक्टर क्या हैं आपस में, परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सो a डॉट b विल बी इक्वल टू जीरो, सो i में i वाला मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, जे में जे वाला 3, 4 = 12, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, जे में जे 3, 4 = 12, और k में k, सो 8 अल्फा इक्वल टू जीरो, तो कितना हो गया ये 12 माइनस 8 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू जीरो, यहां से 8 अल्फा कितना हो गया माइनस 4, अल्फा कितना हो जाएगा माइनस 4/8, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 2015 क्या है, इफ वेक्टर्स ए इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप
एंड बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप एंड साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन दी वैल्यू ऑफ टी, क्या निकालना है मुझको, सवाल का ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यू ऑफ टी चाहिए मुझे, देन दी वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल बोले तो वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल बोले तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, ऑर्थोगोनल मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, परपेंडिकुलर, तो बेटा ए और बी को परपेंडिकुलर करना है, पूछ रहा है टाइम की किस वैल्यू पे ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, भैया जब भी होंगे एक चीज तो श्योर है कि ए और बी जब भी परपेंडिकुलर होंगे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, है कि नहीं, जब भी और ए बी परपेंडिकुलर होंगे उस टाइम पे ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, है ना, सो ए डॉट बी करो बेटा, आई में आई वाला मल्टीप्लाई होगा जे में जे वाला, आई में आई वाला, तो कॉस ओमेगा टी, देखो डॉट प्लॉट में क्या करते हैं कार्टेशियन में, आई में आई वाला चिपकाओ जे में जे वाला और आई जे गायब कर दो क्योंकि आंसर स्केलर है, सो कॉस ओमेगा टी आई कैप से कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप मल्टीप्लाई हुआ, कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी बाई टू, फिर जे में जे वाला, तो साइन ओमेगा टी में मल्टीप्लाई होगा साइन ओमेगा टी बाई टू, साइन ओमेगा टी में साइन ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो, इससे जरा ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी था, याद है कॉस की हालत क्या थी, कॉस ए माइनस बी में यहां क्या आ जाता था, प्लस आ जाता था, तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, है ना, यहां देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस कॉस, कॉस जानते हो उल्टा था, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, जब माइनस है तो प्लस, जब प्लस है तो माइनस, तो बेटा ये ए हो गया ये बी हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए यानी ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा टी बाई टू, जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी क्या है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर, तो बेटा ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी जीरो, जब परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी जीरो, आई में आई वाला मल्टीप्लाई किया जे में जे वाला मल्टीप्लाई किया जीरो कर दिया, देखा ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, ये क्या होता है कॉस ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, सो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई टू बचेगा ना, आधा माइनस कर दिया इक्वल टू जीरो, बेटा कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, तो डेफिनेटली ये किसके बराबर होगा 90 डिग्री के, कॉस थीटा इज जीरो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो इसको इज इक्वल्स टू 90, अब बेटा वैल्यू को 90 लिखना तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो क्या लिख लिया जाए इसकी जगह, बल्कि पाई बाई टू लिख लिया जाए, है ना, सो ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, यहां से 2 और 2 मर गया, सो टी इज इक्वल्स टू पाई बटे ओमेगा, क्लियर एकदम, चलो आगे बढ़ा जाए, ओके लेट्स प्रोसीड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं बेटा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चाहिए तो हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, खत्म, इस बात को आप रिमेंबर कीजिएगा, क्लियर है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है, चलो सीबीएसई ए आई पी एम टी 1994, अभी नीचे एक कमेंट आ गया होगा अब तक
दिस इज द मैन हु वेयर्स ग्लव्स इन हिज हैंड एंड अ वाइट बोर्ड. सर वाइट बोर्ड पे वापस पढ़ाओ सर, फील नहीं आ रही है सर. सर आप वो पुराने वाले अलग सर नहीं है. लेक्चर के बीच में गाना गाओ सर. गाना कहाँ है, गाना कहाँ है. तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मेरा एक कवर आ रहा है बहुत अच्छा, सो मैं गा रहा हूँ. और मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं कि उसमें मेरे साथ सबसे बड़े स्टार्स लोग हैं, हनी सिंह एंड यू नो मीका पाजी एंड बादशाह योर वॉइस. सो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग. तो एक कवर हम लोग निकाल रहे हैं बहुत जल्दी. सो दैट विल बी रिलीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, है ना. क्योंकि अभी एक नीचे कमेंट अब तक आ चुका होगा, आई मिस दैट ओल्ड अलग सर. अब आप वो वाले अलग सर नहीं रहे, है ना. अरे हर इंसान बदलता है, हर इंसान. तुम्हारी वो भी बदल गई, चली गई छोड़ के. क्रैश कोर्स है भाई, गाना गाने का समय नहीं है. क्रैश कोर्स है, गति है इसके अंदर, कॉन्टिनेंट है इसके अंदर, जबरदस्त न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है इसके अंदर. सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट, न्यूमेरिकल्स, कवरेज. अब उसके बीच में गाना थोड़ा सा टफ है, कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरने की. पर नीचे अब तक कॉमेंट आ गया होगा, है ना. इस माँ के बेटे के लिए एक वो देखा इंस्टाग्राम पे, अब नहीं बोलोगे नाइस पिक. एक हीरोइन की फोटो पे तो इतने लाइक होते हैं, है ना. इस भूखे बच्चे के लिए कितने लाइक होंगे. अरे उसकी हेल्प करोगे, उसको लाइक दोगे तो कुछ मिलेगा उसको, है ना. इसको कितने लाइक करोगे, वन लाइक इज इक्वल टू व्हाट 100 रुपीज, है ना. ये तो वही हो गया, हम लोग वहीं फंस गए जहाँ पापा लोग हम लोग के फंसे हुए हैं, है ना. जो वो करते थे वही हम लोग कर रहे हैं. हम लोग क्या गणेश जी वाला मैसेज सबको फॉरवर्ड करते, इस मैसेज को 10 लोग को फॉरवर्ड करें तो सरस्वती मैया गणेश जी आपको वो क्या देंगे, सुंदर बालक देंगे. सुंदर बालक सर, नीट तो निकाल लो पहले, सुंदर बालक आ जाओ पढ़ाई करो, है ना. अब तक 4-5 कमेंट और आ गए होंगे. द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 3i cap + 4j cap + 5k cap एंड बी इज इक्वल टू 3i cap + 4j cap - 5k cap विल बी एंगल थीटा. हाँ एंगल पूछा है बेटा. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करें, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. ठीक है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. सो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. आ जाओ बेटा, ये ए है ये बी है, डॉट कैसे निकलेगा, आई में आई वाला मल्टीप्लाई करो, जे में जे वाला, के में के वाला. सो 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = 16 5 × −5 = 25. नीचे बेटा मॉड ए, मॉड ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3² + 4² + 5² और मॉड बी क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट फिर से 3² + 4² + -5 लिखो या 5 लिखो एक ही बात है. हाँ बेटा ऊपर देखो 0 हो गया है, 9 + 16 = 25 25 और 25 - 9 + 16 = 25 - 25 = 0. सो कॉस थीटा 0, बेटा कॉस थीटा 0 मतलब थीटा क्या है, 90 डिग्री. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री. हमेशा ऐसा हो जाएगा, 0 जरूरी नहीं है, फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल पेश किया जाए. चलिए, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई प्लस जे कैप एंड जे प्लस के कैप, इनके बीच में एंगल निकालना है. तो दो वेक्टर मान लो, एक को ए बोल देते हैं आई प्लस जे कैप को, और एक को बी बोल देते हैं जे कैप प्लस के कैप को. हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चाहिए. तो बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. तो ए डॉट बी कितना होगा, आई में आई है ही नहीं भैया, आई में आई यहां आई नहीं है, तो कितना हुआ 0 प्लस जे में जे, जे में कितना है 1, यहां पे भी 1, तो 1 हुआ. के में के, यहां के नहीं है, यहां के है, तो कितना हो जाएगा 0. बोलो समझ में आया, आई प्लस जे प्लस ये 0 के है, और इसको बी को क्या लिख सकते हो, 0 आई लिख सकते हो. तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया अपॉन मॉड ए. तो मॉड ए क्या होगा, अंडर रूट 1² + 1² + 0² मॉड बी क्या होगा, अंडर रूट 0² + 1² + 1². सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा 1, नीचे √2 √2
1 square 1 square क्या हो गया 2, root 2 कितना हो गया 2, 1/2 cos theta बेटा 1/2 कब होता है जब theta 60 degree हो, तो आंसर इज 60 degree। बोलो क्लियर है एकदम, बिंदास लाजवाब, जबरदस्त शानदार। आगे बढ़ा जाए नहीं सर, अब एक गाना सर यहाँ पे बनता है सर, सर सर सिंग सॉन्ग ब्रेक सर, सर आप पहले की तरह गाना नहीं सर, आप आवाजें नहीं निकालते सर, आवाजें निकालो टर टर ए ओ ए टे सू कराक टुकड़ू, ठीक है। अब इसको तुम अपने लेक्चर में कहीं कहीं सेट कर लेना। अब इसके बाद अगला कमेंट क्या आएगा, आपके अंदर घमंड आ गया है, एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे टॉपिक हैं। एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लो अपने पास कोई एक वेक्टर है ए, वेयर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, क्या करूँ बात करने का समय नहीं है सीरीज में, है ना, ए जेड के कैप। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जा रहा तुमको एक एक टॉपिक, पूरा डिटेल में चल रहे हैं हम लोग। ए इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, तो कॉस अल्फा कितना होगा, अल्फा इज द एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, है ना, एंगल मेड बाई अ वैक्टर विथ कॉर्डिनेट एक्सिस, एंगल मेड बाई अ वैक्टर विथ कॉर्डिनेट एक्सिस। तो हमने कहा एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, सो कॉस अल्फा क्या होगा ए एक्स बटे ए। वाई एक्सिस से क्या एंगल बना रहा, वाई एक्सिस से क्या एंगल बना रहा, बीटा एंगल बना रहा, सो कॉस बीटा विल बी ए वाई बटे ए, कॉस बीटा विल बी ए वाई बटे ए। और कॉस गामा, गामा किससे एंगल बना रहा, जेड एक्सिस से, सो कॉस गामा विल बी ए जेड बटे ए, कॉस गामा विल बी ए जेड बटे ए। क्लियर है, मान लो लिखा हो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, यही ले लेते हैं, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, है ना, इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, चार चार आठ एक नौ, अंडर रूट नौ इज तीन, चार चार आठ और एक नौ, अंडर रूट नौ इज इक्वल्स टू तीन। तो देखो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ए एक्स, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन मॉड ए 3। कॉस बीटा यानी वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल है, तो वाई एक्सिस के लिए ए वाई रख दो, ए वाई कितना है माइनस वन, देखो माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई 3। कॉस गामा, गामा किससे एंगल है, जेड एक्सिस से, तो इसके लिए ए जेड बाई ए, ए जेड कितना है 2 और ए कितना है 3, तो एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस एंड एंगल मेड विथ जेड एक्सिस आर इक्वल। एक और बात, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, 4/9 1/9 4/9 जोड़ो, 4/ देखो सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, 4/9 1/9 4/9 4 4 8 1 9 9/9 आंसर क्या आया 1 आया। तो याद रखेंगे इसको, डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं, मैथ्स का टॉपिक था इसे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, बी का ए पे क्या कॉम्पोनेंट होता है, वो होता है बेटा मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा, कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए मॉड बी कॉस थीटा, इसको बेटा हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, विच इज वेक्टर बी डॉट ए कैप, ए कैप क्या है यूनिट वेक्टर। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, ए अलॉन्ग बी तो हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप, क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप। कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या हो गया, बी कॉस थीटा बी डॉट ए कैप, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी ए कॉस थीटा ए डॉट बी कैप। चलो नेक्स्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, अब हम लोग आ गए क्रॉस प्रोडक्ट में, जिसमें आंसर क्या होगा वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी, इसमें आंसर क्या होता है वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या होता है स्केलर। चलो ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा साथ में एन कैप, एन कैप क्या होता है बेटा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग
ए एंड बी, ये देखो मान लो ए और बी गिवन है, हमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और बेटा ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका दो चीज होगा, वेक्टर की दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, वेक्टर, ए डॉट बी स्केलर। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एन कैप क्या हो जाता है, इसका डायरेक्शन हो जाता है। एन कैप क्या हो जाता है, डायरेक्शन। सो ए क्रॉस बी ऐसे देखते हैं, देखो राइट हैंड स्क्रू रूल है ना, अपने राइट हैंड को खोलो, राइट हैंड को ऐसे खोलो और ए पे रखो ऐसे, और ए से बी घूमो, ए से क्रॉस बी, राइट हैंड को खोलो और कहाँ रखो, यहाँ पे जहाँ इनकी टेल से टेल जुड़ी है, ए से बी घूमो, जिधर थंब पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है, ए क्रॉस बी निकालना आ गया, राइट हैंड को खोलो ऐसे रखो, ए क्रॉस बी बाहर, बी क्रॉस ए बताओ कहाँ आएगा, राइट हैंड खोलो, अब कहाँ से कहाँ घूमना है, बी से ए, बी क्रॉस ए किधर, अंदर, ए क्रॉस बी बाहर, बी क्रॉस ए अंदर होता है। एक चीज और समझो बेटा, अगर लिखा है वेक्टर सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इफ वेक्टर सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, तो सी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज सी विल बी परपेंडिकुलर टू बी। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। क्लियर, और कुछ बचा ही नहीं, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन के क्या यूज करो आप, राइट हैंड पाम रूल, ठीक, यूं घुमाओ ए क्रॉस बी बाहर और बी क्रॉस ए अंदर। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका भी, ए बी साइन थीटा, और B क्रॉस A का भी AB साइन थीटा, पर डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये बात याद कर लो कि A क्रॉस B किधर आया, यहाँ पे बाहर, और B क्रॉस A अंदर, है ना। सो अगर हम यहाँ पे देखें A क्रॉस B किधर आ रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड को बेटा ऐसे दिखाएंगे आगे डॉट, मैग्नेटिज्म वगैरह में देखोगे ये सब, कि जो वेक्टर क्वांटिटी बाहर आती है उसको डॉट से दिखाते हैं। और अगर मैं यहीं पर आपसे B क्रॉस A पूछूं, B क्रॉस A है ना, ये सब मैग्नेटिज्म वगैरह में आप देखोगे, डॉट का मतलब बाहर आने वाली चीज, क्रॉस मतलब कोई चीज अंदर जा रही है। तो यहां पे आप देखो, अगर मैं देखूं तो A क्रॉस B, A क्रॉस B बाहर एंड B क्रॉस A कहां जा रहा, अंदर, इनवर्ड्स। A क्रॉस B और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। कुछ एग्जांपल है बेटा, टॉर्क निकलता है R क्रॉस F से, एंगुलर मोमेंटम निकलता है R क्रॉस P से। टॉर्क हो गया R क्रॉस F, एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P। तो ये तो हम लोग देखेंगे दोनों चीजें कहां मिलेगी, जहां दोनों चीजें कहां मिलेगी, दोनों एग्जाम्पल मिलेंगे रोटेशन में। तो रोटेशन तक बने रहना भाई, तब तक एक दो लोग आउट मत हो जाना। चलो CBSE AIPMET 2007 क्या है, इफ ए एंड स्पेशल केसेस बाद में, चलो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इफ मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रूट थ्री ए डॉट बी देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, हलवा सवाल है, पॉज करके तुरंत उड़ा देंगे आप। इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू ए डॉट बी, तो बेटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री, मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी क्या होगा, कॉस थीटा। यहां से देखो मॉड ए कैंसिल, मॉड बी कैंसिल। क्लियर है, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए डॉट ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। इसका देखो मॉड दे रखा है, मॉड का मतलब बेटा ये क्या वैल्यू आएगी, कि जिसमें मॉड लगा दो तो उसका क्या आएगा, सिर्फ
मैग्नीट्यूड आएगा। वेक्टर फॉर्म में तो इक्वल हो भी नहीं सकते क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर। तो बेटा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री। बेटा टेन थीटा रूट थ्री मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री। टेन थीटा रूट थ्री मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। अगर थीटा 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी बेटा 0 हो जाता है। क्यों? थीटा 0 तो ए बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, सो ए क्रॉस बी 0। तो ये बात याद रखना कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो अगर चेक करना हो दो वेक्टर पैरेलल हैं कि नहीं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दो। ऐसे मत करना, ये बताएंगे इसका एक दूसरा ट्रिक बताएंगे। ये मत करना, ये थोड़ा लंबा हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट करना, इसकी हम ट्रिक बताएंगे, है ना। आगे इसकी ट्रिक बताएंगे कि अगर पैरेलल हो तो क्या करना है। परपेंडिकुलर में ए डॉट बी 0 करो, पैरेलल में ये मत करना। पर अभी समझ लो कि अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है इसका मतलब वेक्टर या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। थीटा 180 डिग्री लगा दो, ए बी साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0, थीटा 180 है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0, है ना। 180 में अपोजिट डायरेक्शन में ए बी साइन 180, थीटा 90 है ए बी साइन 90, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। सो ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू आती है जब थीटा 90 डिग्री हो। प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी देखें ध्यान से, कम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट। ए क्रॉस बी बाहर आया था, बी क्रॉस ए अंदर, सो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। जैसे इस पे एक सवाल ये भी बनता है कि अगर इसी पे, यहाँ पे एक सवाल बनता है, एक देखो याद रखो, रिमेंबर कीजिएगा, ठीक है। तो रिमेंबर कीजिएगा, एक और बात बताते हैं, देखो बहुत सी कहानियां बताने को, तो बताते रहेंगे अगले 2 महीने, यही सब सुनो। ए क्रॉस बी अगर दे देता है बी क्रॉस ए के इक्वल, अब क्या करें सर? मान लो लिख दिया ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, मान लो कह दे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, अब क्या करें सर? क्या ऐसा हो सकता है ए क्रॉस, अभी तो आप कह रहे हो नहीं हो सकता है, आप तो कह रहे हो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, एक कंडीशन में हो सकता है, एक कंडीशन में हो सकता है, और वो कंडीशन ये है कि जो थीटा हो वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, क्लियर है। अच्छा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, ये हमेशा सही है, ऑलवेज करेक्ट। ए क्रॉस बी प्लस सी, सो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव अलाउड है। ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0, सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर में 0। ए क्रॉस ए, ए ए से कितना एंगल बनाएगा, ए ए से कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, साइन 0 इज 0, सो ए क्रॉस ए इज 0, समझ गए। बी बी से कितना एंगल बनाएगा, खुद से कोई कितना एंगल बनाएगा, खुद से कोई 0 डिग्री बनाएगा, सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा 0। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर हो जाता है, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, ए क्रॉस ए इज 0। तो बहुत कुछ रटना है सर आज, हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ, अब देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है बेटा 0, है ना, क्रॉस में सेल्फ प्रोडक्ट, क्रॉस में सेल्फ प्रोडक्ट 0, क्रॉस में सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है 0। फिर ये वाली कहानी देखें, ये पता है आपको कि नहीं कि आई जे के को ऐसे सर्किल बना लेते हैं, आई जे के, मैं यहां लिखता हूं आई जे के, ये कहानी तो भाई पता होनी ही चाहिए थी, नहीं पता है तो पाप है। आई जे के ऐसे लिख लीजिए, अब आई से जे यानी आई क्रॉस जे करेंगे, अगर आई क्रॉस जे, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर हम कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं आई क्रॉस जे, तो नेक्स्ट वाला आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, आई क्रॉस जे का आंसर होगा के, आई क्रॉस जे का आंसर है के, अगला वाला आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। मान लो हम J क्रॉस K करते हैं, कैसे चले हम क्लॉकवाइज, J क्रॉस K, तो अगला वाला आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, J क्रॉस K इज आई कैप।
मान लो हम के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस आई कैसे चले, क्लॉकवाइज चले कि नहीं, है ना, क्लॉकवाइज ही तो चले। अगर हम के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस आई हम कैसे चले, क्लॉकवाइज, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज, तो अगला वाला आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो जे कैप आया पॉजिटिव साइन। अब इसी में मान लो हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो अगला वाला नेगेटिव साइन के साथ, एंटी क्लॉकवाइज में अगला वाला नेगेटिव साइन के साथ, है ना, क्लॉकवाइज में बेटा नेक्स्ट वाला पॉजिटिव साइन के साथ और एंटी क्लॉकवाइज में नेक्स्ट वाला नेगेटिव साइन के साथ। चेक करो, आई क्रॉस के उल्टा, आई क्रॉस के उल्टा, ये कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के तो नेक्स्ट वाला नेगेटिव साइन के साथ माइनस जे, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, के क्रॉस जे नेक्स्ट वाला नेगेटिव साइन के साथ माइनस आई कैप, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई तो नेक्स्ट वाला नेगेटिव साइन के साथ, क्लियर है। सो क्लॉकवाइज में अगला वाला पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में अगला वाला नेगेटिव। नेक्स्ट, अब ए क्रॉस बी करने का डिटर्मिनेंट तरीका, मान लो ए दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, बी जेड के कैप, बी दे रखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। सो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। आई जे के लिख लो, पहले ए को लिख लो, ए की एक्स की वैल्यू, ए की वाई की वैल्यू, ए की जेड की वैल्यू, फिर बी को लिख लो, बी के एक्स वाले की वैल्यू, बी के वाई वाले की वैल्यू और बी वाले के जेड वाले की वैल्यू, ठीक है। तो पहले इसको लिख लिया, अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आई कैप उठा लो, आई कैप की कॉलम भूल जाओ, आई कैप का रो भूल जाओ, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, पहले आई कैप उठा लो, सबसे पहले आई कैप उठाया, आई कैप की रो और आई कैप का कॉलम, आई कैप की रो आई कैप का कॉलम दोनों भूल जाओ, फिर क्या करूं, ए वाई इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी वाई, इसको इसको छुपा लो, ये ऐसे करो, ये और ये काट दो, है ना, आई कैप उठाया तो आई कैप की रो और आई कैप का कॉलम काट दो, अब ए वाई इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी वाई, ठीक। नेक्स्ट, अब माइनस जे कैप उठाओ, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पहले वाले को प्लस आई कैप, दूसरे वाले को माइनस जे कैप, तीसरे वाले को प्लस के कैप, प्लस माइनस प्लस। चलो अब नेक्स्ट वाला उठाते हैं, नेक्स्ट वाला यानी जे कैप उठाएंगे, नेक्स्ट वाला यानी जे उठाया, तो जे उठाया तो जे की कॉलम और जे का रो गायब करो, जो उठाओ उसका रो और उसका कॉलम गायब करो। नेक्स्ट हमने जे उठाया तो जे की रो और जे का कॉलम गायब किया और क्या लिया, माइनस जे कैप, ब्रैकेट खोलो, अब देखो जे ले लिया, जब आई लिया था तो क्या किया था, ये छुपा के, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, जब जे लिया तो ये और ये छुप गया, अब क्या बचा, ए एक्स, देखो यहां से चलेंगे, जब आई लिया था तो ये छुप गया था पूरा, सो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, जब जे लिया तो बेटा ये छुप गया, सो ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, सॉरी वेरी सॉरी, आई में प्लस फिर जे में माइनस फिर के में प्लस, तो आई में ये ऐसे यू इंटू यू, यू इंटू यू, फिर जे लिया ये छुपा, यू इंटू यू ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, अब वापस से फिर से प्लस के कैप हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो जब के कैप लोगे तो के का रो और के का कॉलम गायब कर दोगे, के कैप लोगे तो के की रो और के का कॉलम गायब, अब देखो क्या होगा, ए एक्स, देखो हमेशा चलना इस तरफ से, आगे से चलना हमेशा शुरुआत से, चलना हमेशा शुरुआत से, चलना हमेशा शुरुआत से, आई लिया तो ये छुप गया था तो शुरुआत से चले, ये इंटू ये इंटू ये, जे लिया तो चले शुरुआत से, ए एक्स इंटू बी जेड, देखो चलना हमेशा शुरुआत से इस तरफ से, जब आई लिया तो पूरा छुप गया तो ये बचा सबसे पहले, सो ए वाई इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी वाई, फिर ये लिया छुप गया, ए एक्स इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी एक्स, फिर ये लिया तो ये छुप गया, सो ए एक्स इंटू बी वाई, माइनस ए वाई इंटू बी एक्स,
ठीक है। अब इसको यहां पे करने में बहुत टाइम लगा है, इसका एक सवाल करते हैं, आसान लगेगा। आओ इसका एक सवाल करते हैं। सीबीएसई आईपीएमटी 1997 क्या है? फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स एफ इज इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप एक्टिंग एट द पॉइंट आर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या है लास्ट में 3j कैप प्लस k कैप। हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है बेटा। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट यही हो जाएगा। देखो क्या करोगे, ये ऐसे बना लो, आई कैप जे कैप के कैप। हमें क्या करना है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आर क्रॉस एफ। तो पहले आर आएगा, आर की वैल्यूज लिख लो 7, 3, 1, फिर एफ आएगा -3, 1, 5। बोलो सही है? पहले कौन आएगा? आर आएगा 7, 3, 1, फिर एफ आएगा -3, 1 and 5। सही है, आर क्रॉस एफ। आओ तो पहले आई लेंगे, तो आई वाली रो, आई वाला कॉलम छुप जाएगा, आई कैप, आई की रो, आई का कॉलम छुप गया, 3 into 5 -1 into 1, फिर माइनस जे कैप लेंगे, तो जे की रो, जे का कॉलम छुप गया, इस तरफ से चलेंगे हमेशा, जे की रो, जे का कॉलम छुप गया, 7 into 5 -1 into -3, फिर के कैप लेंगे हम, तो ये और ये छुप गया, 7 into 1 -3 into -3। तो कितना हो जाएगा बेटा? आ जाओ वैल्यूज निकालते हैं, 3 5 15 -1 14 आई कैप, 7 5 35 और ये हो जाएगा +3, है ना, 35 + 3 38। ये माइनस माइनस प्लस, यहां सही लिखा हमने, -3। अच्छा यहां माइनस जे बाहर लगा हुआ है, देखो ये भूल गया था, मैच क्यों नहीं कर रहा, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो देखो जे के बाहर माइनस, 7 5 35 माइनस माइनस प्लस 3, 35 और 3 38, बाहर माइनस लगा है, -38 जे कैप, 7 1 7 और ये 3 3 9, ये प्लस हो जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 9 और 7 16, प्लस 16 के कैप इज द आंसर, 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप प्लस 16 के कैप। क्लियर है एकदम? क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इफ ए इज पैरेलल टू बी, अब सुनो, ए अगर बी के पैरेलल है तो ये तो श्योर है कि ए क्रॉस बी जीरो होता है, पर सवाल यहां से मत करना, ठीक है, इस तरह से सवाल मत करना। सवाल करने के लिए क्या करना, मान लो बोलता है दो वेक्टर पैरेलल हैं, उसके बाद कुछ सवाल पूछता है, तो एक तो ये कर सकते हो, है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल, अब पूछ ही लिया सीधा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा, तो ए क्रॉस बी जीरो। पर जो इसकी ट्रिक है वो ये है, एक्स अपॉन बी एक्स विल बी इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ये चीज ट्रू होगी, एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की दो साइड है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ए क्रॉस बी। तो ये तो डेटा है, याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर कीजिएगा कि अगर एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड ए और बी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर एक ट्रायंगल पैरेललोग्राम है और उसकी दो साइड ए और बी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? अगर ट्रायंगल है तो हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और पैरेललोग्राम है तो एरिया क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सीधा सीधा। एक्चुअली पैरेललोग्राम ध्यान से देखो तो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी, दूसरे का, भाई ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी, है ना, पैरेलल है ना साइड, तो पैरेललोग्राम तभी तो बोलते हैं। तो ए ए कॉपी हो गया, बी बी कॉपी हो गया, तो इसका एरिया हाफ मॉड ए क्रॉस बी, इसका भी हाफ मॉड ए क्रॉस बी, जोड़ दिया मॉड ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है, ओके।
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, चलो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें यह समझना है, ठीक है। तो यहां से अपन कल की क्लास में उठाते हैं, ठीक है। काफी लंबी हो गई लेक्चर, तो यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि आपको एक एक दिन में चीजें भी प्रोसेस करनी है, तो आप जाके इसके असाइनमेंट या पढ़ा दिया जाए, पढ़ा देते हैं यार, थोड़ा पढ़ ही लो, क्या फायदा है, चलो पढ़ते हैं। आओ यार, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, क्योंकि शीट में सवाल भी तो सॉल्व करने हैं, ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो बी का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या करो, अगर बी का डिस्प्लेसमेंट देखना है ए के रिस्पेक्ट से, ए के रिस्पेक्ट से, यानी कहां से देखना है आपको, ए से देखना है, यहां आप बैठ जाओ, ए पे आप चूहा बनकर बैठ जाओ, है ना, चूहे की पूंछ भी होती है, तुम्हारी भी पूंछ है, ठीक है, चूहे की पूंछ होती है, तुम्हारी पूंछ, तुम्हारी पूंछ तुम्हारे दोस्त हैं, अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़िए, तो चूहे की पूंछ ये रही तुम्हारी पूंछ है। तो क्या था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए से आप बी को देख रहे हो, तो ए से बी कहां दिखेगा बेटा आपको, एक्स बी माइनस एक्स ए पे, यही तो दिखेगा, ए से बी कितना आगे दिख रहा है, एक्स बी माइनस एक्स ए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब इसको समझो भी, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पर समझना भी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ, देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, ध्यान सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो ये फॉर्मूला सबको पता होता है, VBA is VB minus VA, सबको बहुत जाहिर, जग जाहिर फॉर्मूला है, VBA is equals to VB minus VA, दुनिया को बताया ये बात। अब सुनो इसमें एक बात बताते हैं, VBA is equals to V of B with respect to ground minus V of A with respect to ground। अब मेरी बात सुनो, velocity of B with respect to A का मतलब क्या है, with respect to A इसका मतलब है कि ए को रोक दो, विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी ए मूव नहीं कर रहा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, ए है, बी आगे चल रहा है, ए पीछे, यहां कॉन्सेप्ट है तो समझना पड़ेगा, बी आगे चल रहा है, ए पीछे चल रहा है, तो ए जब बी को देखेगा, ए जब बी को देखेगा तो ए खुद को तो रेस्ट पे समझेगा ना, हम जब सामने वाले को देखते हैं तो हम खुद को तो हमेशा रेस्ट पे समझते हैं ना, तो ये जो बंदा है इसको रोक दो, ए को रोक दो। रोकने का तरीका क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए को रोकने का तरीका क्या है, ए को बी की स्पीड कितनी दिखेगी, ए को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कौन देख रहा है, ए देख रहा है, कौन देख रहा, ए देख रहा बी को, ए देख रहा बी को, ये कॉन्सेप्ट समझो, धड़ाधड़ सवाल गिरेंगे तुम्हारे, ए देख रहा, इसको समझ लो खटाखट सवाल होंगे, ध्यान से सुनो एकदम मेंटो जिंदगी, ए देख रहा बी को, क्या करो, ए को रोक दो, ए को रोक दिया, ए को रोक कर ए की वेलोसिटी उल्टा करके बी पे चिपका दो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कौन देख रहा, ए क्या करेगा, उधर देख रहा है, तो ए अपनी वेलोसिटी तो मानेगा नहीं, सोचा है रेस्ट पे, तो क्या होगा, बी पर ए की वेलोसिटी उल्टे होकर चिपक जाएगी, बी पर ए की वेलोसिटी उल्टे होकर चिपक जाएगी, देखो ए तो रेस्ट पे आ गया और बी की वेलोसिटी आगे की तरफ वी बी है और ए की वेलोसिटी उल्टे होकर चिपक गई, अब बताओ ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखी, वी बी माइनस वी है, अरे भाई फील आएगा इसका, नहीं आ रहा है, आना चाहिए था, ये रहा ए, ये रहा, अच्छा अच्छा ये रहा बी, बी आगे भाग रहा है वी बी से, ए को रोक दिया आप, ए पे बैठ गए क्या बनकर, चूहा बनकर, ये पूंछ वाले चूहा है ना, अब ए ने जब बी को देखा
तो अपनी वेलोसिटी बी को उल्टा करके चिपका दिया। अब ए जब बी को देखेगा तो बी की क्या वेलोसिटी दिखेगी, वी बी माइनस वी ए, यही तो है। यानी जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रोक दो, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रोक दो, ए को रोक दो, ए को रोक दो, ए देख रहा है, और ए की वेलोसिटी उल्टा करकर बी पे चिपका दो। अब ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखेगी, ये देख रहे हैं भाई साहब, ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखेगी, ही इज वॉचिंग, इनकी आंख बनानी पड़ेगी। ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखेगी, वी बी माइनस वी ए, हियर इट इज, हियर इट इज वी बी माइनस वी ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सेम कहानी, सेम कहानी, ये ए है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ए है, ये बी है। मान लो एक्सेलरेशन ऑफ बी ऐसे दे रखा है, और मान लो सवाल में एक्सेलरेशन यहां पर ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी ये है, एक्सेलरेशन ऑफ, तो कौन देख रहा है, ए देख रहा है, तो ए पे तुम बैठ गए चूहा बन के पूछ वाले, और तुम क्या करोगे, ए अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके बी को दे देगा, ए अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके बी को दे देगा। नाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यही चीज यहां दिख रही है। भैया इसका मीनिंग क्या है, ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक फीलिंग है, पहले तो ये समझो। वी बी ए वी बी माइनस वी ए रट कर बैठे हैं दिमाग में, वी बी ए वी बी माइनस वी ए है क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब ए बी को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब ए बी को देखेगा तो बी की वेलोसिटी क्या दिखेगी, तो ए अपनी वेलोसिटी उल्टा करके बी पे चिपका देगा, खुद को वो रेस्ट पे मानेगा, ए को रोक दो, है ना। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को रोक दो और ए की एक्सेलरेशन उल्टा करके बी पे चिपका दो। अभी ए की एक्सेलरेशन पीछे होती, अभी ए की एक्सेलरेशन पीछे होती तो यहां जाके आगे चिपकती, उल्टा करके चिपकाना है। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आगे बढ़ा जाए, सवाल आ गया। अ कार ए, ये रही कार ए, मूव्स विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड बी विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड are moving in opposite direction as shown in figure, find the relative velocity of b with respect to a। beta halwa sawal hai, turint hona chahiye bina formula likhe, aise dekhkar b with respect to a, a ko rok do, a dekhega b ko, apni velocity ulta karke us pe chipka dega, 15 ulta karke us pe chipak gayi। ab a ko b ki velocity kitni dikhi, 15 aur 20 35, kis taraf, positive direction mein, बोलो आया क्या है, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आप क्या करो भाई, ए को रोक दो और ए की वेलोसिटी उल्टा करके बी पे चिपका दो। बी की कितनी थी आगे 20, ए की उल्टा करके बी पे चिपका दो 15। देख कौन रहा है, ए पे चूहा बनकर तुम बैठे हो, तुम देख रहे हो। अब B की वेलोसिटी A को कितनी दिखेगी, अब B की वेलोसिटी A को कितनी दिखेगी, कौन देख रहा है, A देख रहा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी A देख रहा है A के रिस्पेक्ट में, है ना। अब B की वेलोसिटी A को कितनी दिखेगी, 20 और 15 35, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, 35 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीबीएसई एपीएमटी 1998। A train of 150 meter length is going toward north direction at a speed of 10 meter per second. अच्छा, एक ट्रेन है जो north direction में जा रही है। A parrot flies at speed of 5 meter per second towards south direction, parallel to railway track. The time taken by the parrot to cross the train. कितने टाइम में parrot वा ट्रेन को क्रॉस करेगा। सो एक ट्रेन बना लेते हैं, अब नॉर्थ साउथ ऐसे ही मान लेते हैं क्योंकि उधर से पैरट आ रहा है, इधर से ट्रेन जा रही है ना, तो ट्रेन है यहाँ पे।
इसके ऊपर गाना भी हो सकता है ना, चले छैया 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 छैया, ये ट्रेन है भाई अपनी, है ना ट्रेन। ओके, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, ट्रेन की लेंथ ले रखी है 150 मीटर लेंथ, इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अ पैरट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, ये पैरट आ गया। चिड़िया ऐसी बनाते थे ना बचपन में, आर बना देते थे हिंदी वाला, चार बना देते थे हिंदी वाला, आर इंग्लिश वाला, ये चिड़िया है, ये पैरट, पैरट 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 मिट्टू है। अच्छा सबके घर में जब होता था वो मिट्टू मिट्टू है मिट्टू है, सो ये पैरट है। अ पैरट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, तो ट्रेन नॉर्थ में गई तो पैरट साउथ में। चलो अब द टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, कौन क्रॉस कर रहा है, पैरट क्रॉस कर रहा है किसको, ट्रेन को। द टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, ये बताओ कहानी किसके फ्रेम से चलेगी, पैरट के फ्रेम से भाई, सारा खेल किसको खेलना है, पैरट को, सारा खेल किसको खेलना है, पैरटवा को खेलना है, पैरटवा को ही तो क्रॉस करना है, तो भाई कहानी तो पैरट के सेंस में चलेगी ना, पैरट को ट्रेन पूरी ऐसे क्रॉस करनी है। द टाइम टेकन बाई द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, तो पैरट को पूरी ट्रेन क्रॉस करनी है। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरट, नहीं समझे भैया, ऐसे दौड़ता हुआ कौन आ रहा है, उड़ता हुआ कौन आ रहा है, पैरट, पैरट ने ट्रेन देखी, कौन देख रहा है, बस यही तो बात है सारी, पैरट देख रहा। तो बेटा अगर पैरट देख रहा तो पैरट क्या देखेगा, सामने ट्रेन, और अपनी वेलोसिटी भी उल्टा करके ट्रेन को चिपका देगा, अपनी वेलोसिटी भी पैरट क्या करेगा, पैरट तो किस पे आ जाएगा, पैरट को क्या करोगे, पैरट को रोक दो, जो खेल है वही होगा, पैरट को रोक दो, पैरट क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी भी उल्टा करके इस पे चिपका देगा 10, और अपनी उल्टा करके 5, तो पैरट को दिखेगा ट्रेन इधर जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरट। भाई ये एकदम परफेक्ट तरीका, टेंशन मत लो भाई, पैरट ही तो देखेगा ना, ट्रेन किसको क्रॉस करनी है, पैरट, पैरट आया उड़ता हुआ, कहा ट्रेन क्रॉस करनी है, अच्छा मेरे को ट्रेन क्रॉस करनी है, मैं पैरट, उड़ जाएगा ट्रेन के ऊपर से, अपनी वेलोसिटी पलट कर ट्रेन पे चिपका दिया, ट्रेन की नेक्स्ट वेलोसिटी कितनी दिखी 15, ट्रेन की नेट वेलोसिटी कितनी दिखी 15, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 150, नहीं समझे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ पैरट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये भी कर सकते हो, बट द टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन है, पैरट क्रॉस कर रहा है तो उसके पॉइंट से सोचो, तो पैरट को कैसे देखोगे, रेस्ट पे, पैरट देख रहा है रेस्ट पे, अपनी वेलोसिटी पलट के ट्रेन पे लगा दिया, देखो अभी देर टाइम लग रहा है पर ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरट 15, तगड़े तगड़े सवाल हिल जाते हैं। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है बेटा आपको, 150, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, खत्म। समझ गया, बिना पेन उठाए होता है यार ये, पैरट इधर यहां तक बन गया, इसके बाद पैरट अपनी स्पीड पलट किस पे लगाएगा, 15 से इधर जा रही है, 150 का डिस्टेंस कवर करना है, 150/15, पैरट तो रुका है ना, पैरट तो रुका है, पैरट को रोक दो, पैरट देख रहा है तो पैरट को रोक दो, अब ट्रेन को क्रॉस करना है, कितना डिस्टेंस, 150 मीटर, ट्रेन के इस पीछे वाले पार्ट को पूरा 150 मीटर क्रॉस करना है, तब जाके पैरट क्रॉस होगा, चाहो तो ऐसे निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरट, नहीं समझे, पैरट तो रुका है, पैरट तो रुक गया, है ना, पैरट हैव टू क्रॉस द ट्रेन, तो पैरट ही देख रहा है तो पैरट तो रुक गया, उसको लगेगा ट्रेन से निकल गई, है ना, पैरट रुकेगा देखा जूम ट्रेन नीचे से निकल गई उसके, है ना, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके निकलेगी, 150, और किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, 10 उसके पास थी, पैरट ने पलट कर अपनी 5 भी लगा दी, 15 से उसके नीचे से निकल गई, बाकी चाहो तो फॉर्मूले से करो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरट, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरट, वेलोसिटी ऑफ पैरट ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होकर 15 हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरट, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरट, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 10 है, वेलोसिटी ऑफ पैरट माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस, बढ़िया तरीका बेस्ट है कि पलट कर वेलोसिटी लगा दो भाई, पैरट को क्रॉस करनी, पैरट ने ट्रेन को देखा, अपनी वेलोसिटी पलट के उसको दी और ट्रेन निकल गई, क्या है,
टू ट्रेन्स 110 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटीज 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन्स टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर. दो ट्रेन है, टू ट्रेन्स, एक ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं. दो ट्रेन की कहानी है, एक ये टू ट्रेन्स 110 मीटर लॉन्ग और ये कितना है 90 मीटर लॉन्ग. टू ट्रेन्स 110 और 90, 36 एंड 54. सो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड. तो इस ट्रेन की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड और इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी बेटा 54 इंटू 5/18 15 मीटर पर सेकंड. अब सवाल क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन्स टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर. तो दोनों में से किसी एक ट्रेन को रोक दो, ए को रोक दो और बी की वेलोसिटी पलटकर ए पे चिपका दो, सॉरी ए को रोक दो और ए की वेलोसिटी पलटकर बी पे चिपका दो. बी की कितनी थी 15 और ए की भी पलटकर बी पे चिपका दो 10. समझे, ए को रोक दो भाई, टाइम टेकन दैट फॉर द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर. तो क्या करो, एक ट्रेन को रोक दो और सारी स्पीड दे दो दूसरी ट्रेन को. ये कितने चल रही थी 15 और ए की स्पीड भी इसको मिल गई 10. अब इसको कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है, बात समझे, ए को रोक दिया और सारी स्पीड दे दी बी को, तो ये कितनी स्पीड से थी 15 और इसको कितना मिल गया 10. अब इसको कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है, ये कितना है 90, ये कितना है 110 और ये क्या हुआ है रुक गया है, ये तो रुका हुआ है. अब बी चलेगा तो बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करती है, बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ए को रोक दिया आपने, दो ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो दो में से एक को रोक दो तो पहली वाली दूसरे को क्रॉस करके निकल जाए. यही तरीका तो है, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ए 110 मीटर लंबा, बी 90 मीटर लंबा. ए 54 किलोमीटर पर आर, सॉरी 36 किलोमीटर पर आर, यानी 10 मीटर पर सेकंड से, और बी 54 यानी 15. तो हमने कहा इसको रोक दो और सारी स्पीड इसको दे दो. इसकी आगे की तरफ 15 थी, इसने पलट कर अपनी भी दे दी 10. अब ये बी पूरे ए को क्रॉस करते हुए निकलेगी. ट्रेन की क्रॉसिंग तब मानते हैं बेटा, ये तो रुक गया, ए तो रुक गया, ए तो स्टेशनरी है. अब बी ए को क्रॉस तब करेगा जब बी का ये लास्ट पॉइंट ये यहां से यहां तक ट्रेवल करे और यहां से यहां यहां पहुंच जाए. अब मानेंगे बी ने ए को क्रॉस किया, जब बी का टर्मिनल ए को क्रॉस करे, यानी बी का ए से क्रॉसिंग कब मानते हैं, जब बी का टर्मिनल यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां, यानी बी का टर्मिनल पूरा जब ए को क्रॉस करता है, बी का लास्ट वो जहां पे गार्ड साहब खड़े होते हैं वाला डिब्बा, लास्ट में गार्ड साहब, वो गार्ड साहब ये तब क्रॉसिंग मानी. तो बेटा ये कितना डिस्टेंस चला, 90 और 110, कितना डिस्टेंस चला 200 मीटर, किस स्पीड से 25 से. तो टाइम कितना हो गया 200 अपॉन बी किस स्पीड से चला 25 से, 25 8 200 8 सेकेंड इज दी आंसर. क्लियर है, एक सवाल और कर देते हैं बस फिर छोड़ते हैं. सीबीएसई AIPMET 2009 क्या है, अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड.
A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. The bus is at a distance of 1 km from the scooterist. With what speed should the scooterist chase the bus? आराम से सोचते हैं। एक बस है which is moving with a speed of 10 meter per second. तो हमारे पास सबसे पहले एक बस है, ये बस रही, इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड. अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस. एक स्कूटर वाले को बस को क्रॉस करना है. बेटा बस को क्रॉस करना है तो उसकी स्पीड बस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी किसी चीज को क्रॉस कर पाओगे. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे पहले रिजेक्ट हो गया सीधा सीधा. बस को क्रॉस करना है तो बस के बराबर स्पीड में कैसे उसको हराओगे, है कि नहीं. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. 100 सेकंड में ओवरटेक करना है, ठीक है. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist. भाई एक बस है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है ना, बस जा रही है. अच्छा तो ट्रक वाले होते हैं, तो ये बस जा रही है और एक स्कूटरिस्ट है. स्कूटर देखा आपका ट्र ट्र, जिसमें एक बच्चा आगे खड़ा होता है, एक बच्चा पीछे बैठता है मम्मी की गोदी में, है ना, एक बच्चा और बीच में से ठुस के बैठा रहता है, फिर ऐसे जो आगे खड़ा होता है वो ऐसे झुका रहता है. मैंने नहीं किया, ठीक है, हम आपकी है. ओ प्लीज, माय फादर हैड अ मर्सिडीज. ओके, सो इफ द यार देखो, घर वालों के पास जितना था अच्छा था. ये तो नहीं कह सकते कि बहुत तकलीफ थी, बहुत कठिनाई थी. लोग ये बहुत बोलते हैं कि जैसे फाइनेंशियली चैलेंज तो हम भी थे, बैकग्राउंड हमारे प्रॉब्लम, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना बचपन इंजॉय नहीं किया, है ना. तो वो लोग बाद में कहने लगते हैं कि यार वो जो स्ट्रगल था मेरा, कई लोग लिखते हैं कि सर ने कितना स्ट्रगल किया. अरे हम बहुत मजा कर रहे थे उस टाइम जीवन में, वो तो अब हमें पता चलता है. अच्छा उसको स्ट्रगल बोला जाता था, हमको तो मजा आ रहा था, टारगेट चेस कर रहे थे, हम तो मेहनत करते थे, बट आया थोड़ी ना एंजॉय नहीं करते थे, खुश रहते थे. तो ये जो आपका समय चल रहा है इसको स्ट्रगल नहीं समझो अपना, कि ये मेरा स्ट्रगलिंग फेज है. तुम लाइफ जी रहे हो, तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो. जिंदगी की खुशियां छोटी छोटी चीज में है, ठीक है. आज आपके पास मान लो वो सीट नहीं है कॉलेज की जो आपको चाहिए जीवन में, तो क्या आज आप खुश नहीं हो? आपके अराउंड चीजें हैं, आप घर वालों से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, अपना इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, आप आज भी खुश हो यार. आप अपने काम करते हो, अपना सोते हो, खाते हो जो मन करता है. किसी के पास पैसा कम है, कम चीजें खाता है, क्या वो खुश नहीं होता है क्या दिन भर में? खुश होते हैं, लाइफ है ये, इट इज लाइफ. अब उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है, है ना, कि वो मेरा स्ट्रगल का फेज था. नहीं, वो मेरा, मेरे लिए तो वो मेरा एंजॉयमेंट का फेज था. बाइक पर बैठ के मैं कोचिंग जाता था, मजा आता था एकदम, जाके वहां पढ़ाता था भाई, है एनर्जी में गया एकदम वहां पर जाके, है ना, एकदम किसी तरह से टूटे फूटे पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक क्लास ले रहे हैं, फोटोकॉपी करा रहे हैं मटीरियल की, तो उसका भी मजा है. फेसबुक पे फिजिक्स वाला के पोस्ट बना रहे हैं, मीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो तो एक जर्नी है, वो तो एक एंजॉयमेंट है. तो ये आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, उसको जैसे ही स्ट्रगल समझोगे लोड हो जाएगा. दिस इज नॉट स्ट्रगल, दिस इज एंजॉयमेंट, दिस इज लाइफ. मस्ती चल रही है लाइफ में, लाइफ खुश रहती है, ठीक है. चलो, है ना सर, मस्ती करेंगे अब. आ जाओ. अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड. अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड. इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट. यहां पर स्कूटरिस्ट है, ये स्कूटरिस्ट है, ठीक है, चूहा इसके भी पूछे. ये बस को ओवरटेक करना चाहता है और ये बस से कितना पीछे है, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर पीछे है. इनके सपने क्या है, बस को ओवरटेक करने के. विथ वॉट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेस द बस. स्कूटरिस्ट किस स्पीड से बस को चेस करे. तो मान लेते हैं कि स्कूटरिस्ट वी स्पीड से चेस कर रहा है. अब एक काम करते हैं, बस को रोक देते हैं और स्कूटरिस्ट को उसके पास पहुंचा देते हैं. या स्कूटरिस्ट को रोक के बस को पीछे लाओगे? लॉजिकल तो नहीं कर सकते हो, मना ही नहीं है सर. एक स्कूटरिस्ट को रोक के बस को पीछे ले आते हैं, है ना, कितना सुंदर लगेगा. क्या करोगे, बस को रोक दो और स्कूटरिस्ट को बस तक पहुंचा दो. क्या VBA VBG, बस को रोक दो और स्कूटरिस्ट को बस तक पहुंचा दो. तो जैसे ही बस को रोकोगे, बस की वेलोसिटी उल्टा होके स्कूटरिस्ट को चिपक जाएगी. जैसे ही बस को रोकोगे, बस देख रही है कि स्कूटरिस्ट कब उस तक पहुंचेगा, बस को रोक दो तो बस की वेलोसिटी उल्टा होकर स्कूटरिस्ट को चिपक जाएगी. अब स्कूटरिस्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1000 मीटर. कितने टाइम में किया, ओवरटेक्स द बस इन 100 सेकंड्स.
खत्म बेटा। अब स्कूटर की नेट स्पीड क्या हो गई, वी माइनस टेन। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम कितना लिया 100 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 1000, और स्पीड कितनी है वी माइनस टेन, है ना। बस को रोक दो, स्कूटरिस्ट को पहुंचा दो, ठीक है। सो बस की स्पीड पलट के स्कूटी, स्कूटी की स्पीड हो गई वी माइनस टेन। यहां से 0000 कैंसिल, वी माइनस टेन इज इक्वल्स टू 10, वी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सो बस को रोक के बस की स्पीड उल्टा करके चिपका दी वी माइनस टेन, चलो क्लियर। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D है, पर आज काफी टाइम हो गया तो इसको हम लोग कल पकड़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी 2D, रेनमैन और रिवर्स सिमर प्रॉब्लम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सो शीट को सॉल्व करो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।